हाँ जी, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण राधे 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 श्री कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण सभी को। जब सभी को जय श्री कृष्ण राधे 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 सभी को। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जी जय श्री कृष्ण 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 जय गुरु जी राधे कृष्ण सर जय श्री कृष्ण जय श्री राधे 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 सर राधे 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 रोटी लड्डू के लागे। अच्छा आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आई कैन फील दी एनर्जीज। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही मुझे सबकी एनर्जी हो रही है। सब लोग एक बार कैमरा ऑन करके मेरे सामने आ जाएंगे। एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए सब लोग प्लीज कैमरास को ऑन करके मेरे सामने आ जाइए। मैं जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा मैम। आप मुझे मैम की जगह अगर माँ बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए लक्ष्मी जी। सभी कैमराज ऑन करके बिल्कुल मेरे सामने बैठ के अपने आप को कनेक्ट कीजिए मेरे साथ। मैं एक बार सभी को देखना चाहूंगी। अर्चना जी अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे को कीजिए, मैं आपको देख नहीं पा रही। अमिता आपकी लाइट पड़ रही है, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। या तो लाइट ऑन कीजिए कैमरा, आपका चेहरा मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही आपसे। हिना लाइट पड़ रही है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मनीषा कैमरा ठीक कीजिए। जिन्होंने एस लिखा हुआ है उनका नाम क्या है? अनम्यूट करो अपने आपको। मेरा नाम स्मित है। क्या नाम है आपका? स्मित। अच्छा, तो आप सब लोग अपने जूम पे अपना बिल्कुल करेक्ट नाम ही लिखें ताकि शक्तिपात के दौरान मैं सबसे कनेक्ट कर पाऊँ। अजय कैमरा ऑन करो। मैंने देख लिया आपको चोट लगी हुई है, कोई बात नहीं, कैमरा ऑन करो। सपना कैमरा ऑन कीजिए। सारिका सब लोग प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। रेकी ऊर्जा तभी काम करेगी जब हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। आप इसका क्या कारण है ये अभी नहीं आपको पता चलेगा। कैमरा ऑफ करके आप कोई भी ध्यान विधि नहीं कर सकते हो।
पूजा मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, ड्राइव कर रहे हो आप? या तो गाड़ी को एक तरफ लगा लीजिए दो मिनट के लिए। अंजलि कैमरा ऑन करो, संगीता कैमरा ऑन करो, डॉक्टर नागेश इनके कैमरास ऑफ रहेंगे, आप उनको एक बार एग्जिट करा देना, कैमरास ऑन होने बहुत जरूरी है। चांदी मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, सारिका देख नहीं पा रही हूँ आपको, कोमल आपको नहीं देख पा रही हूँ, पायल नीति कैमरास को ऑन करो। भवेश प्रीति रविंदर सुरभि मुक्ता अंजू अनुश्री एक्सेस के नाम से किसने ज्वाइन किया है, आईफोन के नाम से किसने ज्वाइन किया है? अमीशा कैमरा ऑन करके सामने आ जाओ। राजकुमार, राजकुमार खान दो मिनट का समय दे रही हूँ सबको, प्लीज आ जाओ। ठीक है, तो कल हम सब लोग ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू हम सब लोग नहीं मिल पाए, मुझे काफी लोगों के मैसेज भी आए कि हम मैम जल्दी आ गए थे अपने काम से, कल के लिए हम वेट कर रहे थे, लेकिन जूम से कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था तो उस वजह से हम सब लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, परमात्मा यही चाहता था कि हम इसी समय ही मिले। तो हम आज का सेशन, रेकी की इंट्रोडक्शन तो मैंने परसों आपको करवा दी थी, ठीक है। रेकी ऊर्जा हमारे भीतर की ही ऊर्जा है, अस्तित्व की ही ऊर्जा है। हम फटाफट से रेकी को ब्रशअप करेंगे, जो भी हमने पढ़ा ठीक है उसे रिफ्रेश करते हैं, और उसके बाद आगे चलेंगे कोर्स में। आज आपको शक्तिपात भी दिया जाएगा, इनिशियली आपको ऑरा अपना देखना सिखाया जाएगा, ऑरा को किस तरह से देखा जाए, ऑरा को फील कैसे किया जाए, ऑरा को क्लीन कैसे किया जाए, हमारे शरीर के साथ चक्र पंच कोश के बारे में आपको बताया जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी एक बार स्टार्ट करते हैं, किसी को कोई भी अगर सवाल पूछना है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो हैंड रेस करेगा, ठीक है। सुरेखा बोलिए। सुरेखा जी नमस्ते मैम। नमस्ते माँ। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण माँ। मैं भी ओशो फॉलोअर हूँ, तो मुझे आपका देख के उस दिन सुन के बहुत अच्छा लगा, कनेक्ट हो पाई मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी। और गोविंद शून्यम को भी मैं जानती हूँ, लाइक उनके ऑडियोज वीडियोज आते हैं और उसमें हाँ, लिखा रहता है। इफ यू वांट मोर वीडियोज यू कनेक्ट ऑन दिस नंबर करके लिखा रहता है, तो वो हाँ, अच्छा कनेक्ट। और ओशो के जो सन्यासी हैं, जितने भी स्वामी गोविंद शून्यम के साथ जुड़े हुए हैं, वो सच में मैं उनको सन्यासी ही मानती हूँ। बहुत कम मैंने लोगों को देखा है परमात्मा से कनेक्ट होते हुए। तो हम लोगों की जर्नी माँ नीलम के थ्रू शुरू हुई थी, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ आए आज। अच्छा, अच्छा लगा सुनकर और आपको देखकर भी मैम। और मुझे एक पूछना था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी का भृगु नंदन के क्लासेस वगैरह हो रहे हैं सचिन लोहिया जी, तो एक ही ग्रुप है क्या आपका और उनका, मतलब ये आउट ऑफ द सेशन में भी ये क्वेश्चन है मेरा। ये डॉक्टर नागेश बताएं, हमारा ग्रुप नहीं है वो। अच्छा, आपको अगर पर्सनली, देखिए आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको परसों बोला था, कुछ लोग हमारे ग्रुप में डाटा चुराने के लिए आते हैं, ये लोग सारे चोर हैं। जितने भी आपको पर्सनल मैसेज भेजते हैं ना, हमारे ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, डाटा चुराते हैं, निकल जाते हैं। तो प्लीज अगर ऐसे कुछ लोगों के आपको मैसेज आते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो प्लीज उनको रिवर्ट करें, आप बात करें और उनको डांटें, जो भी आपने बोलना है उनकी कंप्लेन करें आप व्हाट्सएप पर, सभी से रिक्वेस्ट है, वरना क्या होगा ये लोग ना फैलते जाते हैं। मैं तो सबको, सर ये मेन ग्रुप जो था, मेन ग्रुप पामिस्ट्री और भृगु नंदन नाड़ी का जो ग्रुप था, उसमें से ये ऐड आया था रिकी का, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद जैसे
एक ही हब है और वो हब के नीचे अलग अलग ब्रांचेस है? नहीं नहीं नहीं, है तो एक हब, लेकिन हमारा नाम आएगा ना एस्ट्रो गैलेक्सी का, और ये हमारा नाम आएगा, मेरा नाम तो हर एक बैनर पे आएगा डॉक्टर नागेश तंवर का, चाहे किसी भी कंसल्टेंट के साथ हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो एस्ट्रो गैलेक्सी एक ब्रांड के नीचे ही होगा। और अभी अभी सुनने में आया है कि कुछ लोग पेमेंट भी डलवा लेते हैं मेरे नाम से, ठीक है, तो आप थोड़ा पेमेंट जब डालें तो भी सतर्क होकर डालें, मेरे पास एक ही नंबर है, उसी नंबर से हम हमेशा, एक वही अकाउंट है, वही पेटीएम जीपे नंबर है, चेंज नहीं हुआ है। अभी सुनने में ऐसा है कि ऐसा भी लोग कुछ कर रहे हैं, तो फ्रॉड बहुत हो रहा है, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े, ठीक है। कोई आपको पर्सनली मैसेज डालता है मेरे नाम से तो थोड़ा सतर्क हो जाएगा, मेरे से एक बार फोन पे बात किए बिना कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें, कोई ऐसा कोर्स एनरोल ना करें जब तक आप मेरे से बात ना करें, ठीक है। अभी से रिक्वेस्ट है कि जिसके जिसके पास भी आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद पर्सनली मैसेज कुछ और कोर्सेज के दूसरे उसे आए हैं तो वो चोर लोग हैं, है ना, हमारा डाटा चुराने आते हैं, आपके नंबर लेते हैं, फिर आपको पर्सनली व्हाट्सएप भेजते हैं, तो आप में अगर वो है थोड़ा सा तो आप उनकी कंप्लेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कृष्ण जी का फॉलोअर हूँ, देखिए कोई गलत करता है तो मैं उसको बख्शता नहीं हूँ, क्योंकि कृष्ण जी ने बोला है कि गलत करना तो गलत है, गलत साइन करना भी गलत है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा मुझे सपोर्ट करें इस मामले में, उनकी कंप्लेन करें जाकर व्हाट्सएप पर कि हमें ऐसे हरासमेंट मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो अगर आप मैसेज भेजेंगे तो आगे उनका वो आगे से नहीं भेजेंगे, ठीक है। देखिए सर ने बिल्कुल सही बोला है, अगर ग्रुप में से क्या होता है कि ग्रुप बनते ही उसमें से ग्रुप्स में थे अलग ग्रुप से मैसेजेस आते हैं, लिंक भेजे जाते हैं, तो डॉक्टर नागेश से बात किए बिना कोई भी पेमेंट मत करना, ये सबको रिक्वेस्ट कर रही हूं। ये हो चुका है एक दो स्टूडेंट के साथ ना, उन्होंने मेरा नाम लेके, तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि एक हो दो हो, अब जब बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे आप बिना बात किए डॉक्टर नागेश से आप बिल्कुल पेमेंट नहीं करेंगे, हमारी जो टीम है उनमें और भी लोग हैं डॉक्टर नागेश, उनके नेम्स आपको शेयर कर देंगे, तो आप उनसे बात किए बिना, इनकेस डॉक्टर नागेश कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आप उनको कॉल कर सकते हो, आप कोई भी पेमेंट या कोई भी ग्रुप में ऐड मत होना, मतलब अगर आप अपनी मर्जी से किसी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, अगर आप मतलब धोखे से ऐड हो रहे हो तो ध्यान रखिए, थोड़ा होश में रहिए, थोड़ा अवेयर होके ही पेमेंट्स कीजिए। अब सोचिए ना, आप ईमानदारी से सोचिए, वो इंसान क्या पढ़ाएगा आपको, वो क्या कुछ दे सकता है जो चोरी करके आपका डाटा लेके जा रहा है, सोचिए, मतलब सोचने की बात है, और वो भी कौन सा ईश्वरीय ज्ञान, उसको इतनी समझ नहीं है उन लोगों को कि तुम ज्योतिष विद्या या ऑकल्ट साइंस ईश्वरीय ज्ञान पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, इस फील्ड में काम करो, उसके बाद भी चोरी चकारी कर रहे हो, तो आगे क्या ज्ञान देंगे दूसरों को, मुझे समझ नहीं आता, मतलब इतनी प्योर साइंस पढ़ने के बाद भी पढ़ाने वाले को ये समझ नहीं आया, करने वाले को समझ नहीं आया, तो क्या शिक्षा देंगे वो आगे, भगवान ही मालिक है उनका, ठीक है, तो सतर्क रहिएगा थोड़ा सा। यस, चलो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये दो तीन लोगों ने हैंड रेस किया, बोलिए सीमा आप क्या पूछना चाहते हैं, मनीषा आप भी पूछिए एक एक करके। एक्चुअली मैम जो लास्ट क्लास हुई थी आप उस पर बता रहे थे कि सांस नाभि से लो, और मैम वो थोड़ा वो समझ नहीं आया, एक्चुअली जब मैं ब्रीथ इन कर रही थी तो मेरे फेफड़े फूल रहे थे और छोड़ रही थी तो फेफड़े सिकुड़ रहे थे, वो मैं थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाई, उसको लिंक नहीं कर पाई अपनी बॉडी से और जो आप बोल रहे थे। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो माँ का दूध एकदम से नहीं पीना शुरू होता, उसके लिए भी उसे प्रयास करना पड़ता है, तो इससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि हमें इस तरह से श्वास लेने की आदत नहीं है, जितनी छोटी श्वास होगी उतना अहंकार आपके अंदर होगा, तो हमें आदत नहीं है, हम लोग बहुत शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं साथ छोड़ देते हैं, अगर हम लंबा सांस लेंगे, अगर आप प्राणायाम कभी किया है आपने, अगर आपने प्राणायाम किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको प्रैक्टिस करो कम से कम 20-21 बार दिन में, इस तरह से श्वास जरूर लो, इस तरह से गहरी श्वास लो, गहरी लंबी श्वास लेके आपका पेट बाहर आ जाए, उसको रोको 2 मिनट फिर उसको छोड़ दीजिए। मैं स्विच वर्ड्स में यही सिखाती हूँ, जब मैं स्विच वर्ड्स का कोर्स लेती हूँ या कैंडल मैजिक का कोर्स लेती हूँ तो हमारा ब्रेथ जो है वो ही अस्तित्व से कनेक्टेड है, ये हमारी जो प्राण ऊर्जा है ये अस्तित्व से ही कनेक्टेड है, हम जब भी श्वास लेंगे तो कोई ना कोई अस्तित्व को मैसेज जाएगा ही, जो भी हम सोचेंगे, जो श्वास छोड़ने के और श्वास लेने के तल पे जो सम होता है इन दोनों का, जहां पे ये दोनों मिलती हैं आपस में, छोड़ के फिर
लेके फिर छोड़ी जाती है, वो जो एक एरिया होता है, इतना पार्ट होता है, उसमें ही संकल्प लिए जाते हैं। हमारे गुरु बोलते हैं कि उसी में ही संकल्प लिए जाते हैं, और वही संकल्प जो है, वही इच्छाएं जो है, वो अस्तित्व में जाती हैं, पूर्ण होती हैं। ठीक है, तो अब अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो, अगर आप कोई भी चीजों को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, संकल्प लेना चाहते हो किसी चीज का, अपनी बैड हैबिट्स को ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी श्वास लेने के तरीके को ठीक कीजिए सब लोग। ठीक है, तो मैं रेकी में भी बताऊंगी, कुछ चीजें और भी आपको ऐड कराऊंगी इसमें। मेरे साथ आप सब लोग जुड़े हो तो जरूर परमात्मा कुछ आपको और भी अच्छा देना चाहता है मेरे माध्यम से, उसे ऐड ऑन करो अपनी जिंदगी में, लेके आओ। श्वास लो, और श्वास जब आप भीतर लेते हो आपकी नाभि तक पहुंचता है। हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर हमारा केंद्र होता है, मूल होता है, तो सोलर प्लेक्सल भी हम उसे बोलते हैं, हमारा जो नाभि का चक्र होता है। तो जैसे ही आपकी श्वास वहां टच करती है, तो आप अस्तित्व के, परमात्मा के सबसे करीब होते हो। तो आप जितनी शॉर्ट ब्रेथ होगी, उतना हम अपने मूल से दूर हो जाते, अपने केंद्र से दूर हो जाते। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं सबके सवालों का अगर जवाब देने लगे, हमारे पास 6 बजे तक का ही समय है। मैम एक सिर्फ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, बोलिए। मैम रेकी मैंने पहले 2-3 बार भी पढ़ा है, लेकिन आप नागेश सर के थ्रू पढ़ा रहे हो, तो मुझे लगा कि जैसे सर के पैरों क्लास में हूँ, तो उनसे जो नॉलेज मिल रहा है, तो मुझे लगा कि उनके थ्रू आप सिखा रहे हो, तो आप कुछ अलग सिखाओगे, इसलिए मतलब मैं ज्वाइन हुई हूँ कि मुझे मतलब सीखना है कि क्या अलग सिखा रहे हो आप। लगता ही है कि आप कुछ तो अलग सिखाओगे। मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी, जो परमात्मा चाहेगा आपको वो मिलेगा। अगर वो चाहता है आप ग्रहण करो, तो ही आप ग्रहण कर पाओगे। हम सिर्फ माध्यम है, हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, बस उसी की ऊर्जा काम कर रही है। मुझे थोड़ी एक बात करनी थी, क्या मैं सर से कनेक्ट हो सकती हूँ? डॉक्टर नागेश प्लीज आप आ जाइए एक बार। हाँ जी मनीषा जी। सर मुझे मतलब कांटेक्ट करना है आपको, कैसे करूं मैं? आप मुझे पर्सनली मैसेज डाल देना बस। सर मैंने कल से बहुत किया था, डाल देना, अभी डाल देना। आप बोलिए कितने बजे करूं मैं, फिर करती हूं। अभी क्लास के बाद डाल देना। अच्छा ठीक है, प्लीज सर रिप्लाई देना मुझे। हां ओके ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो अभी थैंक यू। चलिए सब लोग हम परमात्मा का नाम लेके आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने गुरु को याद करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, अस्तित्व की ऊर्जा को अपने पास बुलाते हुए बोलिए कि आज का सेशन जो हो उससे हम भरपूर चीजें ले सके। स्क्रीन शेयर कर रही है, तो हमने परसों संकल्प की बात करी थी, 5 संकल्प, 5 principles ऑफ रेकी। उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सबको हैंड रेज कर दीजिए, सर हिला दीजिए अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, गुड। तो रेकी के जो 5 principles हैं, वो है कि मैं शांतमय हूं, मैं खुश हूं, आज के लिए, आज का दिन हमें जरूर यूज करना है। ठीक है, आज के लिए मैं शांतमय हूं, आज के लिए मैं बहुत खुश रहूं, आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, मैं परमात्मा की शुक्रगुजार हूं, मैं सबके साथ करुणामय रहूं, काइंड रहूं। तो रेकी हमें ऐसी 5 चीजें देता है अपने भीतर। अगर ये 5 चीजें ही रेकी अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो, अगर ये 5 चीजें ही आप डेली प्रैक्टिस करो और अपनी फैमिली में सबको प्रैक्टिस करवाओ, तो इसी से ही अस्तित्व आपके लिए वैसे काम करना शुरू कर देगा जैसे आप चाहते हो। अच्छी चीजें आपके जीवन में आएंगी, अच्छे संस्कार आपके अंदर आएंगे, अच्छी एनर्जीज आपके अंदर कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये 5 principles जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद
रेकी एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब रेकी एनर्जी क्या है? आप सबने सुना होगा कि रेकी एनर्जी से हम दूर बैठे इंसान को भी हील कर सकते हैं, दूर बैठे किसी भी शख्स को हम अपने अकॉर्डिंग चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली? अब देखिए, जो इंसान रेकी में, हम सब लोग कहीं ना कहीं, हम सब लोग, आप, मैं, डॉक्टर नागेश, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पिछली लाइफ से सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम सब लोग कनेक्टेड हैं। तो अगर हम सब लोग कनेक्टेड हैं तो हम जब भी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा भाव हमारे भीतर अगर पैदा होता है, जैसे आपके भीतर एक रेकी का भाव पैदा हुआ, तो सडनली क्या हुआ, हमने रेकी का कोर्स लॉन्च किया, हमारे माइंड में फोर्सफुली एक एनर्जी ने हमें ये स्पॉटलाइट में डाला कि आप रेकी का कोर्स लॉन्च करो। अब वो एक मैसेज हमारे ब्रेन में, हम मतलब कुछ भी कोर्स जी ने हमारे दिमाग में चीज डाली तो हमने उसी पे एक्ट करना शुरू कर दिया। हमने उस पे बैनर्स बनाए, आपको भिजवा दिए, आप सब लोगों ने कनेक्ट करके उसको ज्वाइन कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं ये अस्तित्व की एनर्जीज ही हैं जो हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। रेकी में क्या होता है कि रेकिंग में हमारे अंदर, सबके अंदर एक हीलिंग ऊर्जा होती है। हम सब लोग एक दूसरे को ठीक भी कर सकते हैं, हम सब लोग एक दूसरे, हम कहते हैं ना कई बार ऐसा होता है कि किसी ने दुआ दी तो ठीक हो गया, किसी ने अगर बद्दुआ हमें कहीं दे दी तो कहीं ना कहीं हमें ये फील होता है कि हमें बद्दुआ मिल गई। तो अब उस चीज से पीछा कैसे, जो हम बार बार, हमारा दिमाग उस चीज पे जाता है कि हमें बद्दुआ मिल गई। तो सबके अंदर एक हीलिंग लाइट भी होती है, सबके अंदर एक हीलिंग एनर्जी होती है, और सबके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भी, नेगेटिव ऊर्जा भी होती है। अगर हम किसी को नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो कैच करती है, ठीक है। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सब लोग बैठे हैं, बैठे बैठे आपको अपनी सिस्टर का, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, सिस्टर का ख्याल आया, आप उनसे बहुत कनेक्टेड हो, तो सडनली उनका फोन बज जाता है। ऐसा सबके साथ होता होगा, आपने कभी सोचा कि आप अपने हस्बैंड को कॉल करोगे, उसी समय उनका कॉल आ जाता है। ये होता है टेलीपैथी से थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। टेलीपैथी क्या है कि हम सबकॉन्शियस माइंड से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हीलिंग एनर्जी जो है वो भी कनेक्टेड है, टेलीपैथी है वो भी कनेक्टेड है। अब और बहुत तरीके हैं, ठीक है, अब साइंस ने बहुत सारी चीजें जो है वो निकाल दी हैं माइंड को पढ़ने की। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से भी हम एक मैसेज एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में डाल सकते हैं, एक्सरे से भी हम मैसेज पढ़ सकते हैं, रेडिएंट थेरेपी से भी हम पढ़ सकते हैं। तो हम साइंस की चीजों को एक बार साइड पे रख देंगे, लेकिन हम जो रियल एनर्जीज है उसके ऊपर ही बात करेंगे। रेकी जो है वो रियल एनर्जीज के ऊपर ही बात करता है। अब हमारे शरीर के पंचकोश होते हैं, पता है किसी को, कोई है ऐसा जो पंचकोश को बताए कि क्या होता है? कोई भी एक ऐसा बंदा जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करे पंचकोश को। किसी ने अगर रेकी का कोर्स किया हुआ है और उसे पता है ये पंचकोश क्या होते हैं, तो प्लीज कोई डिस्क्राइब करेगा, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या सिखाया गया है, पंचकोश क्या होते हैं। एनीवन, मैसेज कर दो, पंचकोश क्या है, किसने किया रेकी का कोर्स पहले भी? अभी किससे बात कर रहे थे हम, सुलेखा जी से? प्रीति, हाँ जी प्रीति, प्रीत अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी मैम। हाँ जी बताइए, ये पंचकोश क्या होते हैं? सॉरी बट मैंने इससे पहले कभी रेकी के बारे में सुना भी नहीं था। अच्छा नहीं, आपका हैंड रेज था इसीलिए मैंने आपसे पूछा। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन के लिए किया था उस टाइम पे, आई एम सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन के लिए किया था वो अपना हैंड डाउन कर दीजिए। अगर कोई बताना चाहता है कि पंचकोश क्या है तो अपना हैंड रेज। ठीक है नीलिमा, आप बताओगे? हाँ जी नीलिमा, अनम्यूट करो। पंचकोश मैम, पंचभूत मतलब फाइव एलिमेंट्स, बॉडी के फाइव एलिमेंट्स। ओके, फाइव एलिमेंट्स क्या मतलब? मतलब
मतलब पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व और स्पेस एलिमेंट। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये पंचकोश जो है हम इसे रेकी में नहीं इंक्लूड करते हैं। रेकी में किस तरह के पंचकोश की हम बात करते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। हमारा शरीर जो है वो पांच तरह के ऑरा से, पांच बॉडीज से बना हुआ है। ठीक है, तो वो पांच शरीर क्या है? अब क्या है कि एक अच्छा रेकी हीलर होता है, अगर वो प्रैक्टिस करता है रेकी की, तो उसे धीरे धीरे सबके ऑरास दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमारे पास जो लोग आते हैं, हमें उनके ऑरा दिखते हैं। अभी आप सामने बैठे हो तो हमें ऑरा दिखता है। मैं मुझे भी कभी कभी दिखता है ऑरा, बिल्कुल सबको दिखाई देता है ऑरा। तो क्या होता है कि हमें इनिशियल दिखता है, लेकिन ये पांच ऑरास जो हैं, ये उसी इंसान को दिखाई दे सकते हैं जिसकी यात्रा, या जिसे बोले कि अपने भीतर के सातों चक्रास को जिसने अलाइन कर लिया हो, और वो सातों चक्रास जो हैं वो बिल्कुल अनब्लॉक हो, तो पांच जो ये पंचकोश ऑरा है, ये उसी को ही दिखाई दे सकता है। हम इनिशियली रेकी के कोर्स के दौरान क्यों बोलते हैं कि आप पांचों ऑरास को देखने के लिए आप सातों चक्रा का ध्यान कीजिए, 21 दिन का क्यों समय दिया जाता है? अगर कोई 21 दिन का ध्यान बहुत अच्छे से कर लेता है, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा, मैं अपने अनुभव से ही बात करती हूँ, किसी के अनुभव से नहीं बात करती हूँ, तो मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग अगर आपको बोलूं, अगर आप 21 दिन भी इस ध्यान को बहुत ईमानदारी से अगर आप करते हैं, तो आपको धीरे धीरे अपनी फैमिली का, अपने घर का, अपने घर के पेड़ पौधों का, अपने घर की हर एक चीज जो होती है वो एनर्जी कैरी करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी ही एनर्जी कैरी करती है। इवन मिरर भी एक एनर्जी कैरी करता है। जो एनर्जी कैरी कर रहा है उसमें आपको ऑरा दिखने शुरू हो जाएगी, वो आपकी ही रिफ्लेक्शन होगी। कहते हैं ना कि उसके साथ रह के तो उसके जैसा ही बन गया। कारण क्या है कि जो ऑरा जितना बली होता है उतना ही वो खींचता है दूसरे ऑरा को। अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो आप दूसरे बंदे को बहुत हाई नेगेटिव है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नेगेटिव है, तो आप दूसरे बंदे को भी नेगेटिव कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। होता है ना, कई बार हम किसी के पास बैठते हैं तो हमें इतनी इरिटेशन होती है, इतनी नेगेटिविटी फील होती है वहां पे, और आप बैठ नहीं पाओगे। जितने भी ध्यानी लोग होंगे, जो लोग भी ध्यान करते होंगे, उनका सर्कल बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम लोगों को मिलेंगे। अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं वो लोग। क्यों करके रखते हैं? क्योंकि एनर्जी को रीस्टोर करने में बहुत बहुत कुछ लगता है। जितनी एनर्जी एक जवानी में कोई भी काम करने में लगती है, उतनी ही एनर्जी जो है परमात्मा को पाने में भी लगती है। उतना भीतर एनर्जी ऑरास को देखने में, ऑरास को मेंटेन करने में भी लगती है। जितनी ही आउटर जर्नी मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल इनर जर्नी है। जितने आप प्योर होगे, उतनी जल्दी आप अंदर चले जाओगे। तो यही है, ये जो ऑरास हैं, ये हमारी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। एक अच्छा ध्यानी जो होता है, एक अच्छा रेकी हीलर जो होता है, वो पंचकोश को पहचान के सामने वाले को थेरेपी देता है। जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे, आपको सामने वाले का ऑरा दिखेगा। आप उसे अपने सामने बिठाएंगे 10 मिनट के लिए, आप उसे देखेंगे, आपको उसके ऑरास दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऑरा जब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ऑरास के कलर्स भी होते हैं, ऑरा की स्मेल भी होती है, ऑरा जो होता है वो एनर्जी कैरिंग भी होता है। कई बार किसी का ऑरा इचिंग टाइप होता है, या आपको बेचैनी लग जाती है सामने वाले के सामने अगर आप बैठते हो, जो नेगेटिव ऑरास होते हैं, तो उसमें आपको तरह तरह के, उसके भी अलग अलग फ्लेवर्स है ऑरा के। तो जब आप ध्यान करेंगे सातों चक्रा का, तो सबसे पहले आप अपनी फिजिकल बॉडी को जानेंगे। जब आपके सातों चक्र अलाइंड होंगे, अनब्लॉक होंगे, अनब्लॉक बोल रही हूँ कि उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, आपकी फिजिकल बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नॉर्मली आजकल मैं देखती हूँ 99% लोगों को बैक पेन रहता है। अब ये बैक पेन की प्रॉब्लम क्या है? आप
आपका मूल धारा चक्र रूट चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं स्पाइन जो है वो कहीं ना कहीं वीक है। वीक होने के कारण या हल्का सा ब्लॉक होने के कारण आपका एनर्जी सेंटर जो रूट चक्रा है उसके साथ जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं वो सारे खराब हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें डिजीजेस आनी शुरू हो जाती है। अब बीमारी कब आती है? अब जो हमारे गुरु हैं सदगुरु ओशो जो हैं वो ये बोलते हैं कि कोई भी बीमारी फिजिकली आपकी बॉडी में आने से पहले आपके दिमाग में पहले आती है। जब वो दिमाग में आती है तो आप उसको विजुलाइज करते हो, विजुलाइज जब आप करते हो उसे वो बीमारी फैलती है और फिर जब आप उसको टेस्ट करवाने जाते हो वो सच में वो बीमारी निकलती है। 99% जो लोग हैं उनको डायबिटीज है या जिनको और डिजीजेस लगती हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पहले आती है और ये रियलिटी है। तो जब भी अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे बॉडी में ये स्पेशली रेकी हीलर्स की, ये देखो ये फर्स्ट लेवल जो है ना किसी को हील करने के लिए नहीं है, ये मैं सबको बता देती हूँ, फर्स्ट लेवल को हील नहीं कर पाओगे। तरीका जरूर है, इसमें बताया तो जाएगा ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट लेवल में जो रेकी हीलिंग बताई जाती है वो अपने लिए हो तो ज्यादा अच्छा है। किसी को अगर आप हील करोगे आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि 21 दिन आप ध्यान नहीं करोगे अपने आप को नई बीमारी लेके बीमार कर लोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये स्पेशली मैं जो खुराफाती लोग हैं जिनको कुछ नया करने में मजा आता है उनको बोल रही हूँ कि वो अभी नहीं करेंगे ठीक है। वो जो अंदर एक उठता है ना कीड़ा कि हाँ अब तो मैं सीख गया हूँ उस पर भी कर दूँ, वो बच्चों ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी ठीक है। तो एक अच्छा हीलर जो होता है वो पहले अपने आप को ठीक करता है और फिर दूसरों पर अपनी एनर्जीज को लगाता है। तो आपको फर्स्ट लेवल करके सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने पंचकोश को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने पंचकोश को देखना है। जब आपको इसकी एक झलक मिलेगी, आपको ये हल्की सी परमात्मा की अस्तित्व की झलक मिलेगी, तब आपको फील होगा कि हाँ अब आपको बोलने की भी जरूरत नहीं। आपके पास जो इंसान बैठेगा ना वो कहेगा कि मेरा तो तेरे पास से उठने का मन ही नहीं करता, इतना मन लगता है, क्योंकि वो एक खाली बर्तन है, वो आपकी एनर्जी चूस रहा है, ले रहा है आपसे एनर्जी। और वो जब वो एनर्जी जाएगी आप उस लेवल पे जाओगे ऑटोमेटिकली आप अपने आप को रिस्टोर करो। आपकी एनर्जी अगर कोई ले भी तो ऊपर से झरना बहता रहे, उस लेवल तक जाने के लिए आपको 21 दिन का ध्यान करना पड़ेगा इस लेवल के बाद ठीक है। और मैं लेवल 2 भी नहीं करवाऊंगी ऐसे एकदम से 5 दिन के बाद, पूरे 21 दिन के बाद ही लॉन्च करूंगी ठीक है। मुझे सब लोग मैसेज भी करते जिन्होंने मेरे साथ पहले किया है कि माँ आपने लेवल 2 नहीं कराया, लेवल 3 नहीं कराया, बिल्कुल भी नहीं, आप इसे अपने जीवन में लेके आओ ठीक है। तो आनंदमया जो फिजिकल बॉडी है ये हमारा सबसे पहला पंचकोश है, उसके बाद प्राणायाम श्वास प्राण शक्ति, जैसे हम श्वास लेते हैं हम अपने मूल से कनेक्टेड होते हैं, हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर हमारा मूल है, केंद्र है शरीर का। पहले लोग साड़ी पहनते थे, अच्छा अब एक लॉजिकल बात करते हैं, लोग वो होते थे ना लुंगी पहनते थे, धोती पहनते थे, अपर बॉडी उनकी नेक्ड रहती थी, उसका कारण क्या था? जो हमारी नाभि होती है वो एक सोर्स होती है, वो हर चीज को सक करती है, एनर्जी को सक करती है। पहले कभी सुना था कि कोई विटामिन डी की बीमारी से परेशान है, B12 से परेशान है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो नाभि है वो ऑरा को भी सक करती है, एनर्जी को भी सक करती है, नेचर की एनर्जी को। एक पेड़ के पास अगर हम, अब ओशो सन्यासियों में एक ध्यान विधि है कि अब आप एक पेड़ को हक करके खड़े रहोगे, उससे एनर्जी लोगे या उसको अपनी एनर्जी दोगे। अब वो पेड़ से कैसे एनर्जी मिलती है? आपकी नाभि जब किसी की नाभि से टकराती है तो आप उसकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को शेयर करते हो। जब आप उसकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका उसके साथ कनेक्शन बन जाता है, कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं ठीक है। तो हम ये कॉर्ड कटिंग वाली विधि भी करवाते हैं, हमारे पास जो डिप्रेशन के केसेस आते हैं तो उनके लिए हम स्पेशल कॉर्ड कटिंग का एक प्रॉपर वर्कशॉप है उनको करवाते हैं। जब हम नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो उसे कॉर्ड कटिंग भी बहुत जरूरी है।
और अगर हम अपनी कॉर्ड कटिंग नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है वो हमें परेशान करती रहती है। अगर हम नेगेटिव एनर्जी से है, ठीक है, किसी नेगेटिव एनर्जी से हम कनेक्टेड थे, तो नाभि जो है वो केंद्र है, उसी से ही हमारी प्राण ऊर्जा जो है वो कनेक्टेड है, हम अपने केंद्र से कनेक्टेड हैं। फिजिकल बॉडी में आते ही हमारी वाइटल बॉडी आ जाती है, उसके बाद आती है हमारी मेंटल बॉडी, मनोमाया। अब क्या होता है, मेंटल का मतलब ये है, जैसे मैंने सोचा मैं बीमार हूं, बीमार सोचते ही दिमाग में बीमारी सोचते ही मेरी श्वास छोटी हो गई, मेरा इंटेक श्वास का जो है वो कम हो गया, शॉर्ट हो गया, घबराहट के मारे इंटेक शॉर्ट हो के कारण क्या हुआ, मेरी फिजिकल जो है हमारे शरीर को अफेक्ट करती है। तो अगर हमारा दिमाग सही है, हमारी मेंटल बॉडी सही है, अब कोविड में बहुत लोग डर के मारे ही मर गए, ये तो आप सब लोग मानते हैं कि कोविड में ज्यादातर जो लोग थे हमारी जितनी उनकी दिमाग में बैठ गई, तो रिकवर वो कर ही नहीं पाए, अपने आप को रिकवर ना करने के कारण क्या हुआ। कृष्णा जी आप मेरे को सुन पा रहे हो कि बातें कर रहे हो? हाँ तो बातें मत करो, थोड़ा सुनो, मैं सबको देख रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, तो आप मेरे से बहुत कुछ ले सकते हो, तो प्लीज आप ये जो एक घंटा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये एक घंटा मुझे दे दो बस, ठीक है, उसके बाद आप खूब बातें करना, मस्ती मारना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मेंटल बॉडी की। मेंटल बॉडी जो है, अब बुढ़ापा पहले दिमाग में आता है। ओम प्रकाश जी, नहीं सर आप बहुत यंग हो, हाँ ओशो लव टू यू, ब्लेसिंग्स, आप बिल्कुल यंग हो, आजकल के बच्चे नहीं कोर्स में बैठते हैं, आप बैठे हो तो यू आर यंग पर्सन, ब्लेसिंग्स टू यू। तो बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा पहले दिमाग में आता है। जब बुढ़ापा दिमाग में आ जाता है तो इंसान वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा ऐसे झुका देता है, क्योंकि अहंकार जो है वो भी घटता है उससे कि बुढ़ापा आ गया है, शरीर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है, थोड़ा झुक के रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी भी आर्मी रिटायर्ड को देखना, वो छाती चौड़ी करके बैठा रहेगा, बुढ़ापे में भी तैयार होके सुबह 9 बजे फिट होके बैठ जाएगा वो बंदा, क्योंकि दिमाग में वो लोग मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनमें बुढ़ापा कभी आता ही नहीं है। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, किसी भी सरदार फैमिली के बुजुर्ग को ले लेना, वो बुढ़े ही नहीं होते, एंड तक वो एक जो अहंकार होता है रहता है। अब क्या है कि दिमाग ही सारा कुछ है, मुझे ऐसे लगता है कि सारी चीजें जो है ना, जितने हम सब लोग बैठे हैं, हम अपने दिमाग तक तो पहुंचे ही हुए हैं, उससे अगले आता है हमारा विजडम, विज्ञानमया। विजडम क्या है, हमारा होश, अवेयरनेस, कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम श्वास लेते हैं, किस तरह से हमारी प्राण ऊर्जा हमारे भीतर जाती है, किस तरह से हमारे दिमाग में चीजें आती हैं। अब वो दिमाग में आप पॉजिटिवली चीजों को लेते हो कि नेगेटिवली लेते हो, वो होता है होश, अवेयरनेस। अब वो अवेयरनेस जो होती है वो आपकी, आपको प्रीवियस स्पिरिचुअल जर्नी से भी मिलती है, कहीं आपको किसी जन्म में गुरु मिला हो तो गुरु भी वो देता है, कोई भी किसी भी तरह का गुरु देगा आपको, एक बार झंझोड़ देगा पकड़ के, भाई होश में आ जा, बेहोशी, गुस्सा आया, गुस्से में 19वें फ्लोर से छलांग मार दी, छलांग मारने के बाद जब टांगे टूट गई तो याद आया यार मरना नहीं चाहिए था, मरने के बाद जब सूक्ष्म शरीर निकला शरीर से बाहर तो रिग्रेट हो रहा है, वो है बेहोशी। खुशी में
बच्चों पे इतनी खुशी आई या किसी पे ऑफिस में इतनी खुशी आई कि अपने भाई पूरे पैसे उसी पर उड़ा दिए उसी दिन। दो दिन बाद जब खुद पे दिक्कत आ गई तो होश आया कि यार ये तो बहुत गलत किया, इन पैसों की घर वालों को ज्यादा जरूरत थी दोस्त से। ये है बेहोशी, होश। तो ये होश जो है, जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, विजडम जो है ये वहां से आएगा। लास्ट इज ब्लिसफुलनेस। ये सिचुएशन हम जैसे लोगों की है, जैसे कुछ मिले तो भी खुश, नहीं मिले तो भी खुश। कर्ता से या कर्ता, करने वाला परमात्मा है, जो किया अच्छा बुरा हर एक चीज के लिए उस परमात्मा को हम हाथ जोड़ के हो भाग देंगे। रोज सुबह उठ के उस परमात्मा को इतना प्यार भेजो, इतना प्यार भेजो कि वो आपको प्यार ही प्यार बना दे, प्रेममय बना दे, आनंदमय बना दे। कभी आपने दिया है कभी इतना प्यार? हम जाते हैं ना मंदिर, अपनी पूरी लिस्ट लेके जाते हैं, हाँ खाना जी ये काम कर दो हमारा, वो काम कर दो हमारा, हाँ 21 रुपए का प्रसाद, 20 रुपए का, यार वेरी गुड। मैं कह रही हूँ पूरी रिश्वत चलती है मंदिरों में भी। बोलो सियाली। नमस्ते मैम। नमस्ते। राधे कृष्णा। मैं कृष्णा की बहुत बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं जब भी कृष्णा मंदिर जाती हूँ मैम, मुझे बहुत रोना आता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इससे बड़ा चढ़ावा कोई नहीं है। जब मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी कर रही थी तो मैंने माँ से पूछा, माँ मुझे बहुत रोना आता है। मैंने इनिशियली बहुत रोई ध्यान के दौरान। मुझे नहीं पता था वो रोना कहाँ से आ रहा था। तो मुझे मुझे जब उन्होंने बोला ना कि जो आंसू हैं, जो ये आंसू हैं, दिस इज द प्योरेस्ट थिंग जो हम परमात्मा को गिफ्ट कर सकते हैं। आंसू जो हैं, इससे बड़ा परमात्मा के लिए कोई फूल नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्योर है। वो डीप डाउन आपके भाव से, आपके दिल से निकलते हैं। अगर वो आंसू गर्म है परमात्मा के प्रेम में, अगर कहीं प्रेम है ना, तो आपको रीजन ही नहीं पता चलेगा, आपको बस प्यार आएगा। लोग कहते हैं ना, हम अपने लड्डू गोपाल से कनेक्ट हो गए हैं, है ना। तो कनेक्ट कैसे हो जाते हैं? जब आप मन ही मन उनसे बातें करते हो, है ना, मजाक भी करते हो, लड़ते भी हो उनसे, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो उस सिचुएशन में। वो जो हेल्पलेसनेस होती है ना प्रेम में, और उसमें जो आंसू निकलते हैं, भगवान उसी का ही भूखा है। 21 रुपए गुलाब जामुन चमचम जूली इन सब चीजों का भूखा नहीं है, चाहे पूरी प्रॉपर्टी चढ़ा दो। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मैम, बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अभी भी, बट पता नहीं कान्हा जी मेरा इतना, मतलब मैं सब छोड़ सकती हूँ। ये स्ट्रगल कराता है अपने फेवरेट लोगों को कि वो चाहते हुए भी ना उनको भूले ना। जब आपका दुनिया से मोह टूटेगा तभी परमात्मा से मोह जुड़ेगा, तभी आप प्रेम में पड़ोगे। मोह टूटेगा बार बार, या परमात्मा ने जो दिए हैं, है ना, जब उनसे मोह टूटता है। अब मेरे पास एक बुजुर्ग आए, उन्होंने फोन किया मुझे, उन्होंने बोला कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने अपने बेटे को इतने प्यार से पाला, इतना बड़ा, मैंने उसके ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया। मैंने उनसे एक चीज पूछी कि ये सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद किसने बनाई है? उन्होंने बोला कुछ मैंने बनाई है, कुछ मुझे अपने बुजुर्गों से मिली है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर आपका बेटा आपका करता और आपको कुछ हो जाता तो ये प्रॉपर्टी कहाँ जाती? कह रहे बेटे को। मैं क्या, अगर अब वो आपका नहीं करता तो उसके बदले आप उसे कुछ नहीं दोगे? ये मतलब कि वो आपकी कंडीशंस पे अगर नहीं उतर रहा है, ये तो आपने एक सौदा किया ना कि मैं तुझे ये सब चीजें तभी दूंगा अगर तू मेरा कहना मानेगा। कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम सोच सकते हैं, किसी को सुधारना हो तो ठीक है, लेकिन जो माँ बाप भी आज की डेट में अपने बच्चों
पे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग. प्रेम ऐसा नहीं होता है. प्रेम तो झुक जाना होता है, सरेंडर होता है. प्रेम अपनी शर्तें नहीं मनवाता, प्रेम तो गर्दन कटवा देता है. प्रेम कहता है कि तू जो मर्जी कर, बस मैं तेरी हूं. अगर कान्हा जी तैयार है आपको ऐसे देखने में खुश है, अगर आपका सच में उनसे प्रेम है तो ऐसे रहो ना, इसको भी इंजॉय करो. दर्द जब हद से बढ़ जाए, जख्म जब हद से बढ़ जाए तो वो दवा बन जाता है. मीरा ने पूछा था कान्हा जी से कि ये जख्म इतना भर रहा है, अब मैं क्या करूं. तो उन्होंने बोला जब ये पक जाएगा ना, इसमें से रस आएगा, वही मेरा प्रेम है. अब इसे पकने दो, इसमें कर्ता भाव मत लेके आओ कि मैं कान्हा जी को बहुत प्यार करती हूँ. मैं बहुत बड़ी भक्ति भी वही कर सकता है जिसकी गर्दन कान्हा जी ने पकड़ी है. हर कोई भक्ति भी नहीं कर सकता. यू आर सेलेक्टेड सोल, तो आप अहो भाव दो उस परमात्मा को. बढ़िया है, बच्चों ने छोड़ दिया, बहू ने छोड़ दिया, बुलाना बंद कर दिया, पति ने छोड़ दिया, ठीक है, इट्स ओके. एक बड़ा बड़ा प्रेम मिलने वाला है, बहुत बड़ा है ना, उससे दोस्ती करो. तो आनंदमय स्टेज कौन सी होती है, जब हम सब कुछ कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, खाते पीते उठते बैठते उसी का ही है सब कुछ. और वो कौन है, एक पर्टिकुलर चेहरा भी नहीं बोलूंगी, कान्हा जी भी नहीं बोलूंगी, ओशो भी नहीं बोलूंगी, लेकिन एक प्रेम है उसमें. सब दे दे उसके लिए, सब कुछ दे दे, अंदर से बहता है. आंखें बंद हो जाती हैं, घंटों आप उसी पोजीशन में जब आप रहते हो, उस पोजीशन में जब आपसे कोई पूछता है कोई चीज, तो अंदर से कंट्रोल जो होता है वो अस्तित्व का होता है. जब आप और अस्तित्व एक हो, वो आनंदमय है. वो स्टेज जो होती है एक रेकी हीलर की, बहुत अच्छी स्टेज होती है. और मुझे ऐसा लगता है कि उससे प्योरेस्ट अगर किसी कोई भी रेकी हीलर आनंदमय स्टेज में है, उससे प्योर हीलर कोई नहीं हो सकता. इतना प्रेम बहता है सबके लिए, ऐसा होता है कि बस जो है वो दे दिया जाए. और वो जब आप ध्यान करते, अपने अंदर डुबकी लगाते, अंदर पूरी सफाई हो जाती है, पूरी सफाई हो जाती है. फिर वो जो मैदान बनता है, उसमें जो पौधे लगाए जाते हैं प्रेम के, और फिर जो वो गुलिस्तान गुल दिखाता है, वो आनंदमय स्टेज है. वो दैट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड ब्लिसफुलनेस. तो रेकी में ये पंचकोश हैं आपके और आके के शरीर के, ये एनर्जीज जो हैं इस तरह से काम करती हैं. फिजिकल बॉडी का वेलबींग होना लेवल वन, फिजिकल बॉडी वेलबींग. आप अगर रेकी हीलर हो, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए. अगर आपको भी बीमारी, आप किसी को नहीं हील कर पाओ. एवरीवन, जब तक आपके शरीर में बीमारी है, आप अपनी बीमारी को पहले ठीक करो. कोई भी प्रॉब्लम है आपको, मैं जब बीमार होती हूँ, मुझे खांसी होती है, जुकाम होता है, मुझे नॉर्मली पॉल्यूशन से थोड़ा हो ही जाता है, तो मैं कभी भी उन दिनों में हीलिंग नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती. मुझे डॉक्टर नागेश बहुत बोलते हैं कि उनका कॉल आ रहा है, उनका कॉल पिक कर लो, उनसे मिल लो, ये बात कर लो. मिलती तो मैं किसी को हूं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और उन दिनों में अगर आप बीमार हो, तो आप किसी को हीलिंग भी मत दो. अपने शरीर को वेलबींग करो, फिर उसके बाद अपनी प्राण शक्ति को, ऊर्जा को. आप श्वास, अभी किसी ने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़े फूल रहे हैं. बिल्कुल, इंसान में जब जब अहंकार बढ़ेगा, उसकी श्वासें छोटी होती जाएंगी. आपने देखा है कभी, जब आपको गुस्सा आता है तो कितनी शॉर्ट ब्रेथनिंग होती है, कितनी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है. ठीक, व्हाई वी से टेक लॉन्ग ब्रेथ, रीजन इज न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं. वो न्यूरॉन्स जो अच्छे न्यूरॉन्स जो क्रिएट होते हैं, वो प्राण शक्ति, जब आपके शरीर में प्राण ऊर्जा आती है तब बढ़ती है. आजकल बहुत तरह के कोर्सेज आ रहे हैं, प्राणिक हीलिंग आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं.
कुछ लोग सही भी करवा रहे हैं, कुछ लोग सही करने के बाद भी सही नहीं कर रहे हैं। हमें सब चीजों को सबसे पहले तो पैसे से नहीं जोड़ना। रेकी को जिस इंसान ने पैसे से जोड़ लिया वो हीलर ही नहीं है, वो मैं उसे हीलर ही नहीं मानती। जो ठोक के पैसे बोले ना मैं तो इतने पैसे लूंगा तब हीलिंग करूंगा, नो, नहीं। एक रेकी हीलर कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता। आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को तभी ठीक कर पाओगे जब आप इन पांचों पोजीशंस में खरे उतरोगे, पांचों ऑरास में, पांचों पंचकोश में अपने आप को खरा उतारोगे। तो अपने ऊपर मेरा मानना है जब तक ध्यान खुद ब खुद नहीं आपका लगता, वो पोजीशन आपकी नहीं आती है, तब तक आप रेकी हीलर नहीं हो। चाहे मेरे ऊपर कोई केस कर दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य हमेशा सूली पे। अगर आपका ध्यान खुद ब खुद नहीं लगता, वो परमात्मा आपके भीतर नहीं आता, तब तक आप रेकी हीलर नहीं हो। चाहे कितना भी बड़ा कोई रेकी हीलर बैठा है, कमर्शियली आप इसको कितना मर्जी एक्सपैंड कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, कोई है किसी का क्वेश्चन? बोलो शालू, बोलो, अनम्यूट करो बेटा। आप अभी बोल रहे थे कि इसको ना कमर्शियल से नहीं जोड़ना चाहिए, पता नहीं अंदर से मैं भी ऐसा फील करती हूँ, पर ना जैसे मैं टैरो कार्ड वगैरह और सब करती हूँ, और मैं ना ऑनलाइन भी करती हूँ, वेबसाइट वगैरह मैं कर तो रही हूँ, पर मेरे को अंदर से ना जैसे गिल्ट फील होता है कि मैं आई एम चार्जिंग द पीपल फॉर, मतलब मैं हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं तो चार्ज करके उनको गलत कर रही हूँ। मतलब मैं किसी को हील करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, पैसे लेती हूँ, तो मेरे को अंदर से बुरा लगता है। ऑल्दो आई डोनेट फ्रॉम दैट मनी, थोड़ा बहुत डोनेट करती हूँ, पर हाँ मेरे घर की रिक्वायरमेंट भी है, तो मैं इसलिए भी इस प्रोफेशन में भी आई, और मेरे को कहीं से पता नहीं अट्रैक्शन था, पर मेरे को अंदर से ना ये गिल्ट रह रहा है कि मैं किसी का भला नहीं कर रही, मेरे अंदर मनी का क्यों रहता है ऐसे। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि माँ आप चार्ज करके हम जो काम करते हैं क्या वो सही है? ठीक है, जब सदगुरु ओशो डिस्कोर्स देते थे उन्होंने भी 50 रुपए अपने डिस्कोर्स की फीस रखी हुई थी। ठीक है, वो कहते थे कि जब हम सब चीजें बिल्कुल फ्री में कर देते हैं तो सामने वाला इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझता है। ठीक है, मैं कभी भी ये चीज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, पैसे मत लो, लेकिन लालच मत लेके आओ अपने अंदर उस चीज का। ठीक है, आप सामने वाले को बिठाओ अपने सामने, उसकी सब चीजों को महसूस करो। अगर आप ध्यान करते हो आपके भीतर से, देखो आपके भीतर से जो पहली आवाज आती है ना वो परमात्मा की आवाज ही होती है, वो आपके इनर वॉइस जो होती है, वो जिसको भी आप मानते हो वो उसी की आवाज होती है। जो पहली आवाज है ना, उस पहली आवाज को कभी इग्नोर मत करना। उस पहली आवाज से आपको सामने वाले की स्थिति देखते हुए, अब बहुत लोग हैं ऐसे कि जब बहुत ज्यादा किसी की पोजीशन खराब होती है, ऐसा नहीं है मैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेती हूँ, बिल्कुल मैं उन्हें बोल देती हूँ आप 100 रुपए या 50 रुपए आप कुछ भी वो कर दो, और वो भी हम अपने आश्रम में ही भेज देते हैं, आई डोंट यूज दैट। ठीक है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, मेरे अंदर की जो प्रेरणा है, मेरे अंदर भीतर का जो परमात्मा है वो यही बोलता है कि मैं तुझसे ये काम करवा रहा हूँ, तू नहीं कर रही है, मैं अपने भीतर का कर्ता जो है वो खत्म कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप जिंदगी को भोगो। ठीक है, चीजों को भोगो, भोगने के बाद ही छोड़ा जा सकता है। मैंने बहुत बहुत कुछ किया अपनी जिंदगी में, मैंने बहुत पैसा कमाया, सब चीजें करी है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी बहुत अच्छी जी है, लेकिन सब भोगने के बाद ही एक होश आया है कि ये सब व्यर्थ है। आप बीच में किसी चीज को मत छोड़ना। अगर आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे चार्ज करना चाहिए, तो आप करो। अगर आपकी पहली आवाज ये आ रही है कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसे मत करो। किसी भी गिल्ट में मत रहो,
कंफ्यूजिंग स्टेज से बाहर निकलो। मुझे शालू ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा है ना अपने क्या कहते हैं हार्ट चक्रा पे ध्यान करने की जरूरत है। जैसे ही तुम अपने हार्ट चक्रा की एनर्जी को, तुम ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहनो, ठीक है, ग्रीन एवेंजर पहनो, तुम ग्रीन एवेंजर पहनो, ठीक है, तो यू विल बिकम बैलेंस्ड, बैलेंस्ड होगी तुम, ठीक है। क्रिस्टल्स भी काम करते हैं बहुत, उनको बहुत रोज परमात्मा को बोलो कि मेरे भीतर की जो एनर्जी है उसे अपनी एनर्जी से कनेक्ट करो डेली। आप अपने किसी भी गुरु को, जिसको भी मानते हो, अगर सुबह उठते ही उसे साथ में लेके चलोगे कि पूरा दिन तेरा, जो करेगा तू करेगा, अच्छा कर बुरा कर, तेरे फिर किसी चीज का आपको रिग्रेट नहीं होगा लाइफ। मैम आज तक मंदिर या कभी जब भी भगवान को याद करना, बस एक ही चीज याद करती हूँ कि सबका भला कर, सबको सुख शांति दे, एटलीस्ट दो टाइम का खाना दे। मेरा यही एक मतलब सिंस द चाइल्डहुड मेरे मुंह से यही निकलता है, कोई भी भूखा ना सोए। आप अगर मैं बोलूं सब छोड़ दोगे? क्या चीज? परिवार दुनिया सब छोड़ दोगे अगर मैं बोलूंगा? लगता है कि दो बच्चे पैदा किए हैं, पति से भी मेरे को मतलब अटैचमेंट है, पर मेरे को ऐसा लगता है दो बच्चे पैदा किए, उन दो जान को जिंदगी में लाई हूँ, मतलब मेरे थ्रू आई है। ठीक है, तो आप अपना कर्म करो, आप संसार को नहीं छोड़ सकते हो, है ना। यू फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लगता है कि आपकी वजह से वो इस दुनिया में है, यही बात है। परमात्मा ने ही उनको आपके जीवन में दिया है, कोई भी करता नहीं है यहाँ पे। ध्यान कीजिए 21 दिन का, 21 दिन के बाद आपको खुद अंदर से एक ज्ञान, एक कोश, आपके अंदर से खुद एक भागवत पैदा होगी। ये जो बात बात पे रोना आता है, रिग्रेट आता है, दिस इज ऑल इमोशनल इम्बैलेंसमेंट। नेहा बोलो बेटा, मुझे लगता है मैं रुलाने बैठ गई हूँ सबको, सब रो रहे हैं। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा बच्चे, बोलो। मैम माँ बो सॉरी माँ, एक्चुअली क्या है कि हम जब पूजा करते हैं, मेरे भी वही है, बचपन से महादेव को मानते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं जैसे महादेव को प्रणाम करते हैं, सोते टाइम भी करते हैं। मेरा ये दिक्कत है मैम, फर्स्ट क्लास में भी हम आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाया, तो मेरा बस सही है ना मैम, मुझे दुनिया में मुझे नहीं दिल लगता, और दो चार साल से बिल्कुल दिल ही नहीं लगता किसी चीज, किसी रिश्ते, किसी चीज में दिल नहीं लगता, और इतना ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशंस है, मतलब किसी की भी तकलीफ अगर सुन भी लिया जाए तो बस जस्ट रो देते हैं, मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता, बैलेंस नहीं कर पाती इमोशंस को, और मेरा दिल ही नहीं लगता, बहुत कम है इससे नहीं किसी रिश्ते में, सब मोह माया लगता है, सब बेकार लगता है, सब झूठ लगता है। पता नहीं क्या ही है। बस महादेव से मांगते भी बस इतना ही है, पहले थोड़ा बचपना था तो मांगते थे कि चलो ठीक है कुछ अपनी मन की इच्छा पूरी हो जाए, एग्जाम से अच्छे हो जाए, अब मांगते ही नहीं कुछ, अब बस उनको, उनसे ही मांगते हैं, आप साथ रहो, मतलब हर दुख सुख में आप साथ रहो, जिंदगी के जो भी हैं, जितने भी पल हैं, बस आप पार लगा दो और बस आप साथ रहो, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है जब बहुत ज्यादा भी रोते हैं, उनकी ही फोटो रहती है, उनको मतलब जैसे पूजा रूम में भी बैठ गए तो उनको ही, उनसे ही बात करना, उनसे ही डरना, उनसे ही सवाल करना, उनसे ही झगड़ा करना। एक्चुअली मैम 24 आवर्स हम घर पे ज्यादातर अकेले ही होते हैं, मतलब हम अलोन ही होते हैं ज्यादातर, घर पे भी कोई ऐसा होता नहीं है, पहले ऐसा था नहीं मैम, अभी तो हमारी शादी हो गई है, पहले जैसे रहते थे शादी के पहले तो फैमिली के बीच में रहते थे, अब बिल्कुल अलोन हो गए, क्योंकि हस्बैंड का ऐसा शेड्यूल है, बहुत कम ही टाइम रहते हैं और लेट नाइट आते हैं 2-3 बजे ऐसे, दोपहर को भी आए तो आए नहीं तो नहीं आए, मतलब अकेले ही रहते हैं। तो भी ऐसा हो गया है कि एकदम किसी चीज से मेरा हर रिश्ते से अगर मुझे बोला जाए छोड़ दो तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं सच दिखता है, मुझे सब झूठ लगता है। और मैम अच्छा, मतलब बचपन से क्लासिकल म्यूजिक करते थे मैम, मेरा संगीत से बहुत लगाव है, बट हम बहुत स्टेज प्रोग्राम भी कर चुके हैं, बट एक्चुअली घर से भी थोड़ा लाव नहीं था, राजपूत फैमिली से हैं, तो फिर छोड़ दिए, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं किया, मेरा गिटार भी ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो रेग्रेट बहुत ज्यादा रहता है, तकलीफ। जी मैम क्लासिकल सीखा था मैंने और गाते भी थे और लिखती भी हूँ मैम। चलिए लास्ट डे हम सबको, मैं अनाउंस कर रही हूँ नेहा कुछ गा के सुनाएगी हमें लास्ट डे जो हमारा होगा। तो मैम ये तो छूट गया, बहुत साल का प्रैक्टिस, जैसे जो आएगा वो गा देंगे। अब सुनो मेरी बात, अपने जीवन को ना स्वीकार भाव में ले आओ,
लड़ना हंसना जो भी कुछ है छोड़ दो, एक्सेप्टेंस ले आओ, ठीक है। सबसे तुम्हारी वो स्टेज है जिसमें तुम बहुत इजीली अपने स्वभाव को एक्सेप्टेंस में ले आओगे, करता से अकर्ता। बस वो नानक देव जी थे ना, वो इसी चीज के ऊपर ही उन्होंने समाधि पाली थी, उन्होंने तो गा गा के परमात्मा को पा लिया था। मैम हम भी मंदिर जाते हैं या पूजा रूम पे जाते, तुम गाना गाओ, तुम घर में अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है। तुम अकेली होती हो, जो इंसान संगीत के साथ जुड़ा हुआ है वो परमात्मा के सबसे करीब है। हम गाते रहते हैं खाना बनाते टाइम हर चीज। जब तुम सुनो, जब गाने वाला और गाना एक ही रह जाए ना, वो उसे हम समाधि भी कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं टोटालिटी भी बोल सकते हैं, तो उसे हम ध्यान भी बोलते हैं, ठीक है। जब तुम और तुम्हारा गाना एक हो जाओ, तुम्हें कोई थॉट ही ना आए, कोई जीरो थॉट हो, पीछे कुछ चल ही ना रहा हो, अगर तुम्हारी वो स्टेज आ रही है ना, तुम उसे कंटिन्यू करो, मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करो, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ लग जाएगा उसे पूरा करने में। मैम पूजा भी करते हैं ना मैम, जैसे बस रो देते हैं, मंदिर जाते बस रो देते हैं। रो लो, रो लो, सवाल जवाब नहीं, बस औरतें पागल ही होती हैं, रोती ही रहती हैं। मैं भी ऐसी थी, कहते हैं ना सब लोग, सब पति आके मुझे बोलते हैं हमारी बीवियां रोती ही रहती हैं, भाई तुम्हें परमात्मा मान के बैठी हैं, रोएंगी क्या करें बताओ बेचारी। मैम वो मैम क्या होता है ना, कभी कुछ सवाल होता है ना कुछ जवाब होता है, कभी कभी हर चीज बेवजह होता है। हम लिखते हैं ना मैम तो सब कहते हैं इतना दर्द कैसे आता है, लिखते भी हो इतना दर्द वाला लिखते। तुम्हारी बेटा तो प्रीवियस जर्नी रही है, तुम्हारी 100% भी प्रीवियस जर्नी है, तुम्हारा ऑरा भी ऐसा ही है। और क्या कहते हैं, अपने मेंटल मनोमाया को ठीक रखो, अनन्मय शरीर बिल्कुल ठीक है, प्राणमय ठीक है ना, मेंटल जैसे ही मेंटल ठीक होगा ना तुम्हारा, तुम बहुत जल्दी ही आनंदमय स्टेज पे। मैम इतने कम इससे, मुझे थायराइड है, मुझे माइग्रेन है, मुझे बीपी लो का प्रॉब्लम है, मुझे बैक का प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई दवाई चल रही है, मुझे भी सारी प्रॉब्लम्स थी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज की डेट में, क्योंकि उसी के हवाले है सब, कुछ बीमारियों में ना कुछ नहीं होती, इट इज ऑल शिट, कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी दिमाग में ही होती है, दिमाग ही खराब होता है तो बस और कुछ नहीं, वो ठीक हो गया, सब चीजें ठीक, हंस रही है विनीता, है ना, सही बोला मैंने, ठीक है। तो मतलब इसको मजाक में लो सारी चीजों को, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं मैम, खुद का दर्द नहीं है मैम, बस अपनों को खोने का, और जब पूजा करते तो सभी के लिए मांगते हैं, अपना कोई नहीं है बेटा, सुन मेरी बात, अपना यहाँ पे कोई भी नहीं है, मम्मी है पापा है, किसी को तकलीफ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, सबको छोड़ के जाना है, अपना कोई नहीं है, ये स्टेज है, यहाँ पे एक्टिंग उक्टिंग करके चले जाओ बस, अपना कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता, किसी से मुंह नहीं जोड़ना, प्रेम करो बस, जो मिले प्रेम करो बस। अब देखो जो श्री राम है, उन्होंने ये पूरी रामायण हुई है ना, उनके जीवन में जो कुछ हुआ, उतनी मैं कह रही हूँ उतना अच्छा राम जी ने नहीं प्ले किया हुआ जितना ये एक्टर जो है जिसने रामायण में एक्टिंग करी, उतना उसे ही लोग एयरपोर्ट पे पैर छू रहे हैं उसके, जी जी जी, है ना, मतलब उसने अच्छी एक्टिंग कर ली, तो तुम सब लोग भी इस चीज में पूर्ण उतरो, यहाँ किसी से क्या कोई कुछ नहीं ले जाएगा, मैम मेरे बस कुछ नहीं ले जाएगा। मैम बस एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, हमेशा अकेले होते हैं तो मैम कभी कभी बहुत ज्यादा मन खराब हो जाता है, क्योंकि कहीं हम बाहर नहीं निकलते हो, अब घर पे होते हो, मैम कैसे इस चीज से निकले, ये जो मतलब हमेशा ये इससे कैसे बाहर आए, मतलब दिमाग में ज्यादा गाना गाओ, जो सबसे पसंद है अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके, ठीक है, गाना गाओ जो तुम्हें पसंद है, ठीक है, और ज्यादा दिक्कत हो मुझे फोन कर लिया करना, मुझे 10-15 मिनट अपनी सुरीली आवाज में, मेरे पास नंबर नहीं है मैम, आपका नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, ग्रुप में से ले लेना, ठीक है, और अपनी कोचिंग शुरू करो, बच्चों को संगीत सिखाओ, जो घर से अलाउ नहीं है, किसी चीज का अलाउ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ऑनलाइन कराना, ऑनलाइन करना शुरू कर दो, ठीक है, घर पे मत बोलो, ऑनलाइन करना शुरू कर दो, कोई नहीं मना करेगा, मैं अभी तो टैरो सीख रहे हैं, अभी से परमात्मा साथ देगा तुम्हारा, मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारा मन करता है करो। मेरा ऑरा कैसा लगा मैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया है, 21 दिन ध्यान करना, सब बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न दो आते रहेंगे, ऐसे हम कोर्स नहीं पूरा कर जाएंगे, सर कहेंगे 2 दिन का कोर्स आपने 6 दिन में कराया। चलिए 7 चक्र,
बोलिए वनीता बोलिए, बस अब आपका ही प्रश्न लूंगी मैम, बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, मैं ये पूछ रही थी, मैं ना ये सेवन चक्र का रोज मेडिटेशन करती हूँ, बट मेरे ना ये राइट हैंड का जो मुझे है सब ब्लैक ब्लैक नजर आता है, राइट हैंड का ब्रेन भी ये भी सब मुझे ब्लैक ही नजर आता है। सूर्य को जल देती हूँ, सूर्य को जल देती हूँ तो भी वो मुझे सब ब्लैक ही नजर आता है, और माइग्रेन की इतनी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा मैम मुझे। जैसे मैंने श्वास लेने के लिए बोला ना, उस तरह से श्वास लो, ठीक है, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाओ, यही प्रॉब्लम है और कोई नहीं है, प्राण ऊर्जा नहीं बढ़ रही है भीतर। आपके शरीर को, ब्रेन को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रही है, तो ऑनलाइन देख लो अपनी प्राण ऊर्जा किस तरह से बढ़ानी है, योगा में से किसी से सीख लो, अगर नहीं कोई सिखा रहा है किसी भी ओशो सेंटर चले जाओ, ध्यान शिविर में चले जाओ, वहां आपको सिखाया जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो बहुत ही जल्दी हम ऑनलाइन चीजें शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ध्यान शुरू करूंगी मैं, मेरे साथ करो 20 मिनट। आपके साथ करना बेटर है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, मैं थोड़ा बिजी थी कई चीजों में, तो अब जरूर, अब मेरे गुरु का भी आदेश हुआ है मुझे, है ना, अब ओशो ने भी गाइड किया है कि जितना ये फैलाया जा सके, जितना दिया जा सके आपके माध्यम से उतना बांटो। और ये किस दिन का ध्यान कौन सा करूं मैं? ये सेवन ये अभी 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 आपको स्टार्ट करा रही हूँ, आप इसको देखो आज क्या, सेवन चक्रा कराते ही मैं आपको आज क्या कहते हैं शक्तिपात दूंगी, ठीक है। अगर आज कल क्लास ली थी मैम, कल नहीं क्लास हुई, कल क्लास परसों हुई थी ना, वो मेरी मिस हो गई, ऑडियो मिलेगी उसकी? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर नागेश मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग नहीं दे रही है इसकी, वो तो मुझे पूछना पड़ेगा उनसे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करेंगे सर से कि अगर आपको वो प्रोवाइड करा सके, ठीक है। एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगी, देखो मैं यहाँ पे एक रेकी का माध्यम बनी हूँ, मुझे डॉक्टर नागेश के एस्ट्रो गैलेक्सी के एडमिन के बारे में जीरो नॉलेज है, मैं बिल्कुल भी उस चीज में नहीं हूँ, कोई भी मुझे ये रिकॉर्डिंग के लिए या रिकॉर्डिंग नहीं चल रही मेल आईडी ऐड कर दो उसके लिए कोई भी मैसेज मत कर, हाँ ध्यान के लिए अगर आपको कुछ पूछना है तो जब मर्जी पूछो, मैं यहाँ हाँ उसमें ग्रुप में से ले लेना, बाकी मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ आप सबके लिए, बस और कुछ नहीं। चलिए अब इसी के साथ हम सात चक्रा का जो है हम शुरू करते हैं, सात चक्र हमारे शरीर के, आप इमेज को देख पा रहे हैं सब लोग? सर हिला दीजिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्लैक ब्लैक एक इंसान बैठा है, ठीक है। अब क्या है हमारे शरीर में, ये किसी को भी नहीं पता, पहले क्या होता था स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या होता था, पहले तो स्कूल होते ही नहीं थे, गुरुकुल होते थे, बच्चा मतलब 10 साल का हुआ और ऋषि मुनियों के पास भेज दिया और 25 साल तक वो ब्रह्मचारी को फॉलो करते थे और उसके बाद वो पूरा जो नॉलेज था, जैसे हम बोलते हैं कि जो भी पढ़ाई होती थी वो लेके वापस आते, जैसे राम जी आए थे, है ना, तो इस तरह से पहले हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे पंचकोश, हमारे अंदर क्या क्या हो सकता है इस चीज का ज्ञान दिया जाता, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हम भी मिनी अंग्रेज बनते जा रहे हैं, अब अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में डालते हैं, संस्कृत हिंदी से बहुत दूर रखते हैं, तो हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो सब कुछ है हिंदू धर्म में जो कुछ भी है वो सर्वश्रेष्ठ है, हम अगर अपने बच्चों को उससे दूर ना करें तो हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। तो पहले क्या होता था, पूरा जो ज्ञान था वो अपने भीतर जाने का इनर जर्नी, अंतर यात्रा के बारे में ध्यान ज्ञान दिया जाता था, अंतर यात्रा का ध्यान दिया जाता था, सिखाया जाता था कौन से परमात्मा को किस तरह से ध्याया जाए, अपने भीतर से किस तरह की ऊर्जा को आप निकाल सकते, अपने गुस्से को, अपनी ईगो को, इन सब चीजों को किस तरह से कंट्रोल में कर सकते हो, तभी कृष्णा जैसे, राम जी जैसे, हनुमान जी जैसे ऐसे लोग हमारे जीवन में आए, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी थी। तो अब क्या है, हम लोग
21वीं सदी में सात चक्र का ध्यान करने बैठेंगे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल सबके लिए, बहुत हम सब लोग बहुत बाहर की जर्नी बहुत कर चुके हैं। हमारे शरीर में सबसे पहला चक्र जो होता है वो है मूलधारा चक्र, रूट चक्र। दिखाई दे रहा है आपको, एक देख पा रहे हो कर्सर दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन पे? ये हमारा मूलधारा चक्र है, जहां से हम स्टूल पास करते हैं, जहां से हम पॉटी करते हैं, उसके एक इंच ऊपर ये हमारा चक्र होता है, रूट चक्र। देन उसके बाद सैक्रल चक्र, हमारे जो गुप्त अंग होते हैं, हमारे उससे एक इंच ऊपर ये सैक्रल चक्र होता है। फिर आता है सोलर प्लेक्सस, नाभि के एक इंच ऊपर, डेढ़ इंच ऊपर ये सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, ये पीले रंग का चक्र होता है। उसके ऊपर हमारी छाती के बिल्कुल बीच में हमारा हार्ट चक्र होता है। देन वी कम टू थ्रोट चक्र, ये हमारा गले का चक्र होता है यहाँ पे। फिर हमारा तीसरी आंख आज्य चक्र, थर्ड आई चक्र होता है। उसके बाद हमारा क्राउन चक्र, श्रेष्ठ हार चक्र भी हम बोलते हैं इसे। तो ये हमारे शरीर के सात एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसे हम पावर ग्रिड भी बोल सकते हैं। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि हमारे शरीर में जैसे सात चक्र हैं, जैसे ट्रांसफार्मर होता है तो उसके साथ जो लाइनें जुड़ी होती हैं, अगर वो उनका सेंटर जो है वो सही रहेगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज जो है, वो एनर्जी जो वहां से जा रही है वो बिल्कुल सही रहेगी, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी। अगर एक भी तार, एक भी एनर्जी सेंटर खराब है तो बिजली उस जगह पे नहीं जाएगी, और वहां के जो अभी पार्ट्स हैं या वहां के मीटर्स जितने भी हैं वो खराब हो जाएंगे। तो हमारे सातों चक्र से हमारे शरीर के अंग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो अंग कौन से हैं हम देखेंगे आगे चल के। इस इमेज को देख पा रहे हैं, चक्रास, एनर्जी फ्लो इन साइड अ बॉडी थ्रू दीज चक्रास। हमारी शरीर में जो ऊर्जा है वो इन्हीं चक्रास के थ्रू हमारे अंगों में जाती है। ये फनल शेप के होते हैं। व्हेन एनर्जी फ्लो इज स्मूथ वी लिव जॉयफुली परफेक्ट इन यूनिवर्स। जब एनर्जी फ्लो बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई उसमें अड़चन नहीं होती, कोई ब्लॉकेज नहीं होती है, हम लोग बहुत आनंदमय जीवन में रहते हैं। जब आप आनंदमय जीवन में रहो, एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल है, उसमें एक पार्क है, उसमें हमें फुटबॉल का मैच रखना है, लेकिन जब हम स्कूल के अंदर गए तो पार्क में पूरा कबाड़ स्कूल का रखा हुआ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सफाई करोगे पार्क की, चार पांच लोगों को बुलाओगे, किसी की गाइडेंस लोगे। सबसे पहले तो गाइडेंस लोगे कि इसका क्या करें, तो वो आपको गाइड करेगा। जैसे डॉक्टर नागेश जैसा ही कोई इंसान आपको मिला, उसने आपको गाइड किया कि आप एक काम करो, इसमें से एक एक करके सारा सामान उठवा के बाहर फेंकवा दो। आपने क्या किया, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपने अंदर से सफाई करनी शुरू कर दी। जब आप सफाई करोगे तो जो जमीन है उसमें पत्थर भी होंगे, कंकर भी होंगे, कांटे भी होंगे, कबाड़ भी पड़ा, जब आप उसे उठाओगे तो जमीन पे भी थोड़ा सा हिलजुल तो होगी, कोई चीज टूट भी सकती है, कॉर्नर्स जो हैं ग्राउंड के वो भी टूट सकते हैं, थोड़े से सीमेंट निकल सकते हैं कॉर्नर्स का, या एक आधा पेड़ भी टूट सकता है जो अच्छा पेड़ हो। तो इस तरह जब आप उसको सफाई करोगे मैदान को, तो थोड़ा थोड़ा एक जिसे हम बोलते हैं हिलाया जाएगा उस जगह को। जब हिलाया जाएगा तो शरीर के अंदर से, या आप मान लीजिए जब उसके ऊपर से झाड़ू मारी जाएगी तो हवा भी चलेगी, हवा भी चलेगी, मिट्टी भी उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी तो आंखों से पानी भी निकलेगा। जब वो साफ हो जाएगा तो कहीं से पानी नहीं निकलेगा, बिल्कुल साफ सफाई से लोग वहां पे खेलना शुरू कर देंगे। सेम इज विद आवर बॉडी, हमारे शरीर में इतने जन्मों जन्मों की चक्रास में, सबकॉन्शियस माइंड में इतने जन्मों जन्मों का गंध भरा हुआ है, जो भी हमने
अच्छा सा बुरा सा वो सब हमारे एक दिमाग के पीछे एक अनकॉन्शियस माइंड की चिप होती है जो जाके सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। आप एक जन्म लेंगे दूसरा लेंगे आप अपने संस्कार कुंडली क्या है, अब कुंडली पे भी बात कर लेते हैं, जो हम करके आए हैं उसी नक्षत्र में उन्हीं ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको कर्मास के अकॉर्डिंग वो आपका चार्ट बनता है। उस जिस समय आप पैदा होते हो वही आपकी डेस्टिनी कि आप जो करके आए हो आपको उसका फल मिलेगा इस जन्म में। अब वो कर्मास जो है वो तो अपना खेल दिखाएंगे ही, तो हमारी कुंडली जो है वो हमारे प्रीवियस कर्मास को दर्शाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर अपने भीतर सफाई करनी है, हमने जो किया है अपने प्रेजेंट में, अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। पास्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि पास्ट में जो हमने किया उसे बदल ही नहीं सकते हम। तो इसी तरह से एनर्जी सेंटर्स में जब आप सफाई करोगे तो हो सकता है कि आपको ध्यान के दौरान रोना भी आए। जब सफाई चलेगी अंदर तो रोना भी आएगा, भाई गंद तो बाहर निकलेगा ही ना, उठा के बाहर फेंकोगे चीजों को। अब वो किसी ना किसी रिप्रेस्ड एनर्जीज जो है, रिप्रेस्ड भाव जो है, वो अंदर से सप्रेस कर रखी चीजें जो है वो बाहर निकलेगी। उन दिनों आपको गुस्सा भी आ सकता है, रोना भी आ सकता है, शरीर में कभी टांग में दर्द, कभी बैक पेन, कभी कंधे में दर्द, ये इनिशियली थोड़ा रहेगा ही रहेगा। तो कोई ये मत बोले कि मेरे सर में दर्द हो रहा है ध्यान करके, ये एक नॉर्मल चीज है। कई बार एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, क्राउन में एक जगह पे अगर कूड़ा इकट्ठा हो गया है तो उसका भार फील होगा ही होगा, तो डरना नहीं है, धीरे धीरे ये सफाई होगी। When energy flow is smooth, we live joyfully in perfect harmony with the nature. Yes, हम देखो पेड़ पौधे जो भी चीज नीचे से ऊपर को उठ रही है वो परमात्मा की बनाई हुई चीज है। ठीक है, जो नेचर में है, नेचुरल चीजें जो है, अब वो चीजें जो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है उनमें भी सेम वो एनर्जी है जो हम में एनर्जी है। अब जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो एनर्जी कहाँ से लेती है? आपका जो घर है, आपके घर का भी एक ऑरा है, आपके घर की भी एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी कहाँ से लेता है? वो आपका घर का, घर आप ही से ही एनर्जी लेता है। जितना उसमें सुकून होगा उतना उसका ऑरा घर का जो है, घर में ड्राउजर घुमाते हैं ना वास्तु वाले लोग, देखा है कभी ड्राउजर घुमाते हुए? ऐसे से घूमते हैं ना ड्राउजर, इस तरह से ब्राउजर को बोलते हैं कि एनर्जी बताओ, एनर्जी बताओ। अभी देखो हम सबकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, देखो ऐसे ही आपकी एनर्जी से ही चीजें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, जो चीजें भगवान ने नहीं बनाई, हम मैनमेड चीजें हैं। तो घर की चीजों में करके किचन में घर में आप ही की एनर्जी फ्लो करती है। अगर आपके भीतर के एनर्जी सेंटर्स जो हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आप जिनसे हक करते हो रोज, आपके दोस्त जिनसे बातें करते हो, जिनके साथ आपकी कॉर्ड्स जुड़ी हैं, वो भी पॉजिटिव रहेंगे। सब कॉन्शियस माइंड से जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो भी पॉजिटिव रहेंगे। अब मैं यहाँ बैठी बैठी, मेरा सियाली जी से बहुत प्यार है, मैं बैठी बैठी मैंने यहाँ से भाव भेजा उनको कि तुम हमेशा खुश रहो, ब्लेसिंग दे रही हूँ तुम्हें, और जितनी वो प्योर होंगी उतनी वो मेरी ब्लेसिंग रिसीव कर पाएंगी, जितनी अंदर ब्लॉकेजेस होंगी वो मेरी ब्लेसिंग रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जीज वर्क है। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, चलिए हाउ टू मेजर ऑरा। अब क्या है ऑरा? ऑरा क्या है? हमारे भीतर के से ही निकलती हुई, जिन्हें हम बोलते हैं स्पार्क भी बोल सकते हैं, हमारे भीतर से निकलता हुआ हमारा जो एनर्जी है, जो फ्लो है, हीट है, जो भी है, ठीक है, तो वो ही है हमारा ऑरा। हमारी सोच हमारा ऑरा बनाती है। हम कहते हैं ना कि तेरी तो सोच ही बुरी है, तेरा तो ऑरा ही खराब है, बोल देते हैं ना। नेगेटिव पॉजिटिव की डेफिनेशन हमारे, वैसे तो लोगों के अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारे हिसाब से ना चले वो नेगेटिव, जो हमारे उंगलियों पे नाचे वो पॉजिटिव। अभी एक दो दिन पहले एक लेडी का कॉल आया कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, वो बहुत नेगेटिव है, मेरा कहना नहीं मानता, इसीलिए कि वो मेरा कहना नहीं मानता। तो आप नहीं डिसाइड करोगे ये सब चीजें, आपको जिसके पास बैठ के सुकून मिल रहा है, आप
एक ब्लिसफुलनेस में हो, जिसके पास बैठ के आपको समय का पता ना चले, वो ही और अच्छा। ठीक है, तो सारिका जी को नींद आ रही है। 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, चलो ठीक है, 5 मिनट हम ब्रेक लेते हैं, सब लोग पानी वानी पी के आ जाओ, फिर उसके बाद एक छोटा सा ध्यान विधि करेंगे, ऑरा मेजरमेंट। ठीक है, मैं सबको 5 मिनट की ब्रेक दे रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, बोर हो गए होंगे यार, एक तरफ से ही चीजें चल रही हैं। तो हम सब लोग हम 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हुए हैं 31, विल मीट एट 36। ठीक है, चलो सब लोग पानी वानी पी लो।
हाँ जी आ जाइए सब लोग। सभी लोग कैमरा ऑन करके मेरे सामने आ जाओ एक बार। मुझे लगता है सब लोग चाय बनाने चले गए। सबके कैमरास ऑफ हैं। देखिए अभी किसी ने लिखा है कि मैम मैं बैठ नहीं सकती हूँ, तो ध्यान जो है हम लेट के कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान लेट के भी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आप ध्यान लेट के भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे एक मिनट जस्ट ऐसे ही होल्ड रखिए। Yes. तो अभी हम फटाफट करते हैं, मुझे लगता है शक्तिपात आज भी नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि 6 बजे सर का मैसेज आया है मुझे कोई और क्लास लेनी है। तो आज हम अभी ऑरा किस तरह से देखा जाए, ठीक है, तो हम ऑरा की बात करेंगे। चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन सब लोग देख पा रहे हैं? सर हिला दीजिए, सर हिला दीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए अब आपको ऑरा देखने के लिए सबसे पहले तो जमीन से डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को। मैं एक बार पढ़ देती हूँ उसकी कंडीशंस क्या है। ऑलवेज डिस्कनेक्ट विद अर्थ एनर्जी बाय प्लेसिंग योर फुट ऑन द फ्लोर मैट। अब या तो कोई आप कालीन नीचे बिछा लीजिए, या लकड़ी की किसी फट्टी के ऊपर पैर रख लीजिए, या बेड पे बैठ जाइए, या रबर स्लीपर्स पहन लीजिए, या सॉक्स पहन लीजिए। वैसे मैं खुद जो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पैर ऊपर आलती पालती मार के बैठ जाए। उसके बाद अपने दोनों पाम्स जो हैं, क्या करना क्या है आपको, है ना, पिरामिड। आप मेरे हाथ देख पा रहे हैं सब लोग? उंगलियों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, इस तरह से होने चाहिए। हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, हाथ होंगे ऐसे। कैमरा ऑन कर लो, आप नहीं कर पाओगे, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो एक बार। सब लोगों को मैं कैमरा ऑन करके देखना चाहती हूँ, ठीक है। सबने हैंड पोजिशन देखना चाहती हूँ सबकी, प्लीज। फिंगर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, जो अंगूठा है वो भी बिल्कुल जॉइन रहना चाहिए। जैसे देखिए इस तरह से, इट शुड बी लाइक कप, पिरामिड की तरह, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एनर्जी आपके हाथों के थ्रू स्लिप कर जाएगी। आपने अपने पैरों को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। आप सुखासन में बैठे हैं वो चल जाएगा, लेकिन आपको अपने पैरों को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो हम अब सब लोग हम ऑरा को फील करेंगे। ऑरा को किस तरह से फील करना है, हाथों को नीचे ले आइए। अब आराम से सुन लीजिए जो मैं बोलूंगी, ठीक है। तो आज हम एनर्जीज को देखते हैं कि एनर्जीज क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं एनर्जीज, कैसे आती है एनर्जी। हमारे आसपास रहती है, हम उसे पकड़ लेंगे, पकड़ के उसको एक पूरा, जैसे हम बोलते हैं ना, एनर्जी बॉम्ब बना लेंगे और उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले सुन लीजिए, आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है इस तरह से, फिंगर्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। देखते रहो मुझे, फिर हम इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे 3 बार, ठीक है। आपको इस तरह से रब करना है, उसके बाद आपको रब करते हुए बोलना है
रेकी एनर्जी फ्लो एंड चार्ज माय हैंड्स टू फील माय ऑरा. रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड्स टू फील माय ऑरा. ठीक है, तो आपको ये आपको तीन बार बोलना है. फिर आपको तीन बार बोलना है रेकी एनर्जी चार्ज चार्ज चार्ज. फिर अपने हाथों को धीरे धीरे दूर लेके जाना है, धीरे 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 दूर लेके जाना है. जितना आप दूर लेके जा सकते हो लेके जा सकते हो. तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों के बीच की एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है. आप मुझे देखिए एक बार, फिर धीरे धीरे हाथों को अपने पास लेके आना है. एक समय पे आके आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथों के बीच में कुछ पकड़ा हुआ है. उस जो भी आपको लगे, जहां भी आपको लगे कि अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, उसको पकड़ के इस तरह से बॉल की तरह घुमाना है, बॉल की तरह घुमाना है. तो जब आप बॉल की तरह घुमाएंगे, एक जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि चुंबक लग गया है आपके हाथों में, गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी हाथों में. और आप इसको आंखें खोल के भी कर सकते हो, तो इसमें आंखें जरूरी नहीं है कि बंद ही करनी है आपको. तो जब आप ये फील करेंगे कि आपके हाथों में कुछ है, तो वो आपका ऑरा है, आपका उतना बड़ा ऑरा है, आपके शरीर से उतना बड़ा आपका ऑरा है. कई लोगों का ऑरा बहुत बड़ा होता है, कई लोगों का ऑरा हाथ में ही नहीं आता, कई लोगों का ऑरा आप खुद अपना ऑरा आज फील करोगे. ठीक है, कई लोगों का ऑरा बिल्कुल छोटा सा होता है. तो अगर किसी का ऑरा छोटा सा भी है तो बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है. ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है. तो उसके बाद चलिए अब सब लोग हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, रेडी हो सब लोग? जमीन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो, अपने पैरों को. मैं जैसे जैसे सबको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, मैं देखती रहूंगी सबको, सबको देखती रहूंगी. ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत आती है वो इसके बाद हम फॉलो करेंगे. आप मुझे देखते रहना कि कैसे किया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने आप को जमीन से डिस्कनेक्ट करेंगे. बिल्कुल भी फिंगर्स को क्रॉस नहीं करेंगे. अगर आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे को उतार देंगे. अपने आसपास अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को थोड़ा दूर ही रखेंगे. अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो ईयरफोन्स को हटा दीजिए. ठीक है, तो ईयरफोन्स के बिना अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी हो, आपसे जितना दूर हो रेकी के दौरान उतना ज्यादा बढ़िया है. ठीक है, तो आप अगर बहुत अच्छे से एनर्जीज को फील करना चाहते हो तो आप अभी अगर फील करना चाहते हो तो ईयरफोन उठा दो. अगर किसी का फोन खराब है तो वो लगा के ही रखो. मतलब क्लास खत्म होने के बाद भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए परमात्मा का नाम लेते हुए, अस्तित्व का नाम लेते हुए अस्तित्व की ऊर्जा को पुकारते हैं. दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए, जोर से रब कीजिए कि दोनों हाथों में से हीट निकले. दोनों हाथों को खूब अच्छे से रब कीजिए. बोलेंगे रेकी ऊर्जा चार्ज एंड फ्लो, रेकी ऊर्जा चार्ज एंड फ्लो, रेकी ऊर्जा चार्ज एंड फ्लो. धीरे धीरे स्लो करेंगे रब करना. दोनों हाथों को कप की तरह बना के, पिरामिड की तरह बना के धीरे धीरे दूर लेके जाएंगे. रेकी ऊर्जा चार्ज चार्ज चार्ज. जहां आपको मैग्नेटिक इफेक्ट फील हो थोड़ा आगे पीछे करके देखिए. जहां आपको मैग्नेटिक इफेक्ट फील हो धीरे धीरे बड़ा कीजिए. दोनों हैंड्स को पास में लाइए और पास लाइए, धीरे धीरे पास लाइए. जहां आपको फील हो कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई चुंबकीय शक्ति है, कोई ऊर्जा है बॉल की तरह, उसको इकट्ठा कर लीजिए. धीरे धीरे ध्यान दोनों हाथों के बीच में लगा दीजिए. रोक लीजिए दोनों हाथों को. चुंबक की तरह कोई चीज आपको अपने हाथों में जहां फील हो वहां अपने दोनों हाथों को रोक लीजिए. उसको बॉल की तरह घुमाइए.
बॉल की तरह उस ऊर्जा को घुमाइए, बॉल की तरह ऊर्जा को घुमाइए। दोनों हाथों में कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बॉल की तरह उस ऊर्जा को घुमाइए। अब वो बॉल वाली जो ऊर्जा है अपने बॉडी के किसी भी पार्ट के पास लेके आइए, चाहे अपनी आंखों के पास लेके आइए, उसको अपनी दोनों आंखों पे या हाथ पे लगा लीजिए, फेस पे लगा लीजिए, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जहां है उसे लगा लीजिए। रेकी ऊर्जा उपचार करो, रेकी ऊर्जा उपचार करो, रेकी ऊर्जा उपचार करो। अगर आपको गर्म महसूस हो रहा है तो आपके उस बॉडी ऑर्गन में, अगर बहुत ठंडा या बहुत गर्म फील हो रहा है तो आपको उस बॉडी ऑर्गन पे हीलिंग की जरूरत है। अगर कोई सेंसेशन नहीं फील हो रही है, आपको सेल्फ हीलिंग और ब्लॉकेज रिमूवल की भी जरूरत है। धीरे धीरे आप सीखेंगे इसे। अगर आपको लेस सेंसेशन फील हो रही है तो आपको इसमें क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, क्लियर बॉल्स आती है, क्रिस्टल बॉल्स आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो अभी जब आपने दोनों हाथों को रब किया, बॉल की तरह एक ऊर्जा बनी, वो जो ऊर्जा है वो एक एटम बॉम्ब है एनर्जी का, जो कैंसर तक की बीमारी को भी हील कर सकता है। आपके किसी भी ऑर्गन में कहीं भी आपको पेन नजर आ रहा है, देखिए किसी की बॉल इतनी सी रह गई होगी, किसी की इतनी होगी, किसी की इतनी होगी, वो आपके शरीर का ऑरा है, वो आपका ऑरा है। जब उसने आपने उस बॉल को इकट्ठा कर लिया तो वो एक एनर्जी बन गई, अस्तित्व की एनर्जी आपके ऑरा में आ गई। और जब आप उसे अपनी बॉडी के ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में आप टच कर देते हैं, तो उससे अगर बहुत हीट अगर निकल रही है या बहुत ठंडा सेंसेशन हो रहा है तो उस बॉडी ऑर्गन को आपके हीलिंग की जरूरत है। तो आप रोज ये प्रैक्टिस करके, रोज ये प्रैक्टिस करके आप अपने आप को हील कर सकते हो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अभी हम किसी और को तो नहीं हील करेंगे, हम अपने आप को ही करेंगे। आपको कहीं किसी भी बॉडी ऑर्गन में, चाहे बैक पेन है या कुछ भी है, वैसे मैं 24 पोजीशंस कराऊंगी सारी, आप जब भी इसको यूज करोगे, इस तरह से रब करके जो बॉल बनेगी उसको अपनी बॉडी पे यूज करोगे तो आपको हीलिंग देगा। जब आप उसे अपनी किसी भी बॉडी ऑर्गन, मान लो मैंने अपने गले पे वो बॉल लगा लिया, तो मैं बोलूंगी रेकी ऊर्जा उपचार करो, रेकी ऊर्जा उपचार करो, रेकी। इस भाव से करोगे कि आपके भीतर एक बहुत सारी व्हाइट लाइट जो है, ऊर्जा जो है आपके भीतर एंटर कर रही है आपके हाथों के माध्यम से। तो जब आप वो विजुलाइज करोगे तो धीरे धीरे आप हील होना शुरू हो जाओगे। आप परमात्मा के बनाए हुए एंटीबायोटिक को लोगे, शुगर तक की डिजीजेस भी इससे ठीक हुई है, शुगर भी बैलेंस रहता है। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। किसी का कोई हैंड रेज कर लो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। देखो मैं बहुत जल्दी नहीं चलना चाहती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो 10 दिन भी बढ़ा दूंगी आपको, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आपका इस चीज को प्रैक्टिस करना, इस चीज को समझना, सेंसेशन आपको फील हो रही है और आके कि नहीं, जैसे मैं तो ऐसे भी हाथ लगाती हूँ तो मुझे फील होती है, मुझे रब करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप फील होता है। तो ये जो एनर्जी है ये आपको, ओम प्रकाश जी आ जाइए, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए आइए। हाँ जी ओम प्रकाश जी, आपको कुछ फील हुआ? हाँ, अच्छा, आपने जब हल्का महसूस हुआ, हल्का महसूस हुआ। आपको शरीर में किसी अंग में कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई पेन रहता है आपको? अर्थराइटिस है माँ। अच्छा, अर्थराइटिस है आपको, ठीक है। अभी जब हम, और यूरिन इन्फेक्शन है। अच्छा, यूरिन इन्फेक्शन मतलब किडनीज में कुछ इश्यू है आपका? ना, यूरिन में है। यूरिन में है, ठीक है। तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करना,
ठीक है, आज एक दो बार करो, आप अपने आप को हील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो भी बॉल बनता है वो आपका ऑरा है, आपका जहां आपको इस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट हो ना कि आपके हाथ आगे पीछे हो रहे हैं, आपको लगे कि हाथों के बीच में कुछ है, ये सेंसेशन सबको फील हुआ होगा। और अगर किसी को नहीं फील हुआ वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और वो ऊर्जा जो है वो परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा वो आपको, वो आपको अपने भीतर से ही मिलेगा वो। जब सही है, एकदम सही है, हाँ, गॉड इज सुप्रीम। तो आप इसे अगर यूज करोगे डेली, तीन तीन चार चार बार अगर आप इस रेकी ऊर्जा को यूज करोगे अपने ऊपर, धीरे धीरे आपकी जो बीमारी है वो वहीं रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं, और धीरे धीरे आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे और डिप्रेशन, कैंसर, हर तरह तक की डिजीजेस जो है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, और अब किसी किसने हाथ उठाया है, एक मिनट। हाँ जी, सुलेखा जी आ जाइए, बोलिए। हेलो, हाँ सुलेखा जी। मैम मुझे पूछना था कि ये जो रेकी की प्रैक्टिस है ये अगर चक्रा मेडिटेशन के साथ ही करते हो तो भी चलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ ये चक्रा मेडिटेशन, रेकी, सब कुछ एक ही है, ये नाम अलग अलग है, सारे ध्यान एक जैसे हैं, उस परमात्मा तक पहुंचने के हैं। रेकी भी, कुंडलिनी भी, डायनामिक भी, ये सब अंदर भीतर की सफाई है, सब कुछ, कोई फर्क नहीं है। सदगुरु ओशो ने भी नियो रेकी करके मेडिटेशन निकाला था, ठीक है। आप निसर्गा में होती है इसकी प्रैक्टिस, और क्या कहते हैं पुणे में भी होती है, मैंने एक दो शिविर भी लिए हैं वहां पे। तो आप अगर वो पुणे में कर चुकी हूँ, पुणे में सभी कर चुकी हूँ, डायनामिक कुंडलिनी बिल्कुल कर चुके होंगे आप, बिल्कुल कर चुके होंगे। तो वहाँ ये भी एक थेरेपी है, और सदगुरु ओशो ने बहुत, अभी एक दो दिन में मैं डिस्कोर्स बना के डालने भी वाली हूँ रेकी ऊर्जा के ऊपर। तो बहुत सारे हमारे सन्यासी हैं जो रेकी ऊर्जा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा बहुत अच्छी ऊर्जा है एक दूसरे को हील करने के लिए। तो आप इसको किसी भी तरह प्रैक्टिस करो, साथ किसी भी ध्यान के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम, तो ये 21 डेज में जो है उसका टाइमिंग कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको कल या परसों बताऊंगी, मैं पूरा जब कोर्स खत्म होगा उसमें सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं जल्दी नहीं चलना चाहती हूँ। सर ने जरूर ये कोर्स दो दिन का निकाला था, लेकिन मैंने उनको स्पेशली बोला था सर मैं दो दिन में आऊंगी, चीज करवानी ही है तो इंसान के जहन तक हो जाए तभी उसका मकसद पूरा होगा। तो इसीलिए मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, सबके साथ बहुत स्लो चल रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, अजय जी आ जाइए प्लीज, कहाँ पे हैं आप? हाँ अजय, अजय आपको चोट कैसे लगी पहले ये बताइए। मैम मेरा एक्चुअली वो डिविएटेड सेप्टम है, सेप्टम होता है ना जैसे डिविएटेड, वो नॉर्मली स्ट्रेट होता है, मेरा एस शेप में था, एस शेप में, अच्छा, जिसके कारण सांस आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी और वो मुकस फॉर्म हो जाता था, तो डॉक्टर ने इसको स्ट्रेट किया है सेप्टम को। अच्छा, आपने सर्जरी करवाया इसका? हां, और मेरा फिर मेनिस्कस टेयर भी हो गया था, मैं गिर जाता था, मेरा मेनिस्कस टेयर हो गया, तो मेरा घुटना भी काम नहीं कर रहा है, मेरा नाक भी काम नहीं कर रहा है, एंड मुझे साइटी का भी है, वो जो आपको प्रश्न लिख के भेजा था वो मैंने भेजा था, जो साइटी का भी है, तो आई कैन नॉट सिट आल्सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट के भी कर सकते हो, कल से आप स्पीकर ऑन करके आप लेट के भी कर सकते हो। आपको मैं अपनी तरफ से आज रेकी ऊर्जा भेजूंगी आपके लिए, तीन दिन के लिए रेकी एनर्जी भेजूंगी, मैं रेकी भेजूंगी मैं आपको, ठीक है। अपना पूरा नाम, सब चीजें आप ग्रुप में डाल देना, और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अपने आप को हील कीजिए, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, सारी बीमारियां रोज तीन या चार बार बोला कीजिए कि मेरे भीतर की सारी बीमारियां को, बीमारियां जो हैं उन्हें विदा मिल चुकी है, वो मेरे भीतर से खत्म हो चुकी हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक और चीज बताना था, अभी जब मैंने ये हैंड्स को रब करके जब ये लेके गया तो मेरा हाथ जितना दूर जा सकता उतना दूर मैं लेके गया, एंड उसके बाद में मैंने जैसे ही उसको कोइंसाइड करना शुरू किया ना, तो वो ऑलमोस्ट मेरे बॉडी से काफी दूर से वो ना हाथ मेरा ऐसा शेक होना शुरू हो गया, तो आई ट्राइड टू कंप्रेस इट, ओके, कंप्रेस करके मैं और आगे लेके आने की कोशिश किया, तो वो
ठीक है कोई किसी एक देरी तक वो आया, उसके बाद में वो कुछ भी फील होना बंद हो गया, फिर वो छोटा छोटा जैसे जैसे मैंने करने गया ना वो फील होना बंद हो गया, वो उसके आगे वो फील नहीं हो रहा था, वो वहीं पे हो रहा था जो एकदम लार्जर पोर्शन पे तभी फील हो रहा था, उसका फील होना बंद हो गया था वो। देखो सुनो, रेकी में हमें कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करनी है, हल्का हल्का करना है। जैसे आपने आपका ऑरा इतना था, आपने कोशिश करी कंप्रेस करने की, वो आपके हाथ से खिसक गया, कुछ नहीं आया। तो सबका ऑरा छोटा नहीं होता, किसी का ऑरा बहुत बड़ा होता है, पर ऑरा बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑरा किस कलर का है, किस तरह का है, अगर नेगेटिविटी है तो वो भी नेगेटिविटी ऑरा हो सकता है, है ना। अगर पॉजिटिविटी है या बीमारी वाला ऑरा है तो वो भी बड़ा हो सकता है। तो मतलब बड़ा छोटे से कोई भी लॉजिक नहीं है। ऑरा जो होता है आपका, वो आपके भीतर की ऊर्जा जो निकलती है वो है, वो आपके भीतर से किस तरह की ऊर्जा निकल रही है वो दर्शाएगा, ठीक है। तो अभी आप बीमार हैं तो हो सकता है कि नेगेटिव ऑरा भी निकल रहा हो, ठीक है। तो उस ऑरा को आप इकट्ठा कर रहे हो, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप को हील करो, ठीक है। एक महीना प्रॉपरली हील करो, डेली आप सुबह उठ के परमात्मा को अहोभाव दोगे, आपको जो जीवन दिया उसके लिए, आपको जो बीमारियां दी है उसके लिए भी अहोभाव दोगे, ठीक है। आप रोज बोलोगे, 3 बार तो जोर से बोलोगे कि मेरे भीतर की सारी बीमारियों को मैं विदा दे चुका हूं, वो खत्म हो चुकी है, वो जा चुकी। 3 बार आप सुबह, 3 बार आप सोने से पहले बोलोगे, परमात्मा को अहोभाव दोगे, उसके बाद आप देखना आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी ज्योति, आ जाओ बेटा। बस जी बस 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 6 बजे मेरी क्लास भी है भाई, हमारे बारे में सोच लिया करो। देखिए क्वेश्चन आंसर सबके लिए जाएंगे, नो डाउट। अभी बेसिकली मैम के साथ आप कनेक्टेड हो चुके हैं, अब तो क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, लेकिन आज टाइम नहीं है क्योंकि 6 बजे मेरी क्लास है, और इसी जूम पर अगर मैम ने पहले बताया था ना कि वो बहुत लंबा बैठने वाले हैं, तो मैं किसी दूसरे जूम से बना देता कि मैंने इसी जूम से अपनी क्लास डिजाइन की हुई है। उनको कैसे हील किया जाता है, और कल शक्तिपात भी मैम देंगी, तो कल वाटर चार्जिंग भी कराएंगे हम। कल शक्तिपात और वाटर चार्जिंग ही करेंगे। कल का सेशन थोड़ा बेशक लंबा कर रख लेना, कोई बात नहीं, कल का सेशन मैं आपको अलाउ कर दूंगा लंबा कर देना, ठीक है। तो कल अपना तंदुरुस्त होके खा पी के आराम से आइएगा, सेशन थोड़ा लंबा होगा, और कल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कल समझिएगा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कल होने वाली है, क्योंकि शक्तिपात कल होगा। एक हम दूसरों को हील बाद में करेंगे, पहले अपने आप को इस काबिल कैसे बनाएं कि हम दूसरों को हील कर सकें, कल आपको वो सिखाया जाएगा। और रेकी फर्स्ट लेवल में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप अपने आप को कैसे रेकी का एक सोर्स कैसे बनाएं, उसके बाद सेकंड लेवल थर्ड लेवल फिर तो चलते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट लेवल भी अगर आपने ध्यान से सीख लिया तो एटलीस्ट आप अपने आप को हील कर पाएंगे कल से। और मैम की गाइडेंस पर अगर आपने 21 दिन मेडिटेशन कर ली, जो कल मैम बताने वाले हैं कि अपने बॉडी के 24 पॉइंट्स होते हैं हमारे यहाँ पूरी बॉडी में, अगर उनको आपने मैम के अनुसार 21 दिन उनको हील कर लिया, और अपने 7 चक्रास को जो मैम बताएंगी उतना देर अगर आपने हील कर लिया, तो यकीन मानिएगा आप अपने आप को आज जज कर लो, और 21 दिन बाद अपने आप को देखना आप शीशे में, आपके चेहरे पे क्या स्माइल होगी, आपके अंदर एक खुशी का भाव होगा, वो फील सिर्फ 21 दिन में आप फील करेंगे, और सोचिए और ऐसा ही फील आपने दुनिया को कराना है आगे जाकर। तो गाइडलाइन जो दी जाएंगी उसको फॉलो कर लीजिएगा, बस ऐसा ना हो कि देखिए हम मेहनत करते हैं, मैम मेहनत कर रही है आपके साथ, उसको वेस्ट ना जाने दें एनर्जी को, ठीक है। चलो ठीक है, और अभी आज हमारा टैरो का वेबिनार है एंड कंसल्टेशन है फ्री में, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप आइए। कंसल्टेशन हमारे यहाँ कंसल्टेशन का प्रोसेस चल रहा है, वो फ्री में कंसल्टेशन दे रहे हैं आपको टैरो से, और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरो कितना ईजी है सीखना। और जो बच्चे अभी टैरो में मेरे साथ बैच में हैं, मतलब उनका बैच कल खत्म होगा, वो ही आपकी रीडिंग करेंगे। तो टैरो कोई हवा नहीं है, लोगों ने हवा बना रखा है, टैरो सीखना बड़ा मुश्किल है, टैरो से इजी मोडालिटी कोई नहीं है। हाँ, सिखाने वाला थोड़ा सा मेंटोर आपको अच्छा मिलना चाहिए बस,
तो आप आइए, आपको पता लगेगा वेबिनार में टैरो काम कैसे करता है। टैरो से अगर आप कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं, नहीं भी सीखना चाहते लेकिन अगर आप कंसल्टेशन भी आप लेना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोगों की कंसल्टेशन दें, ठीक है। तो ऑल आर वेलकम, सेम आईडी सेम पासवर्ड है जो आपने अभी ज्वाइन किया होगा, लेकिन रात को 9:15 बजे है वो। आईडी पासवर्ड से भी ज्वाइन कर सकते हो और सभी ग्रुप में उसको लिंक भी शेयर कर किए जा चुके हैं या कर देंगे अभी थोड़ी देर तक, ठीक है। सर एक मिनट, मैं एक छोटे से बच्चे का क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। दीप्ति, एक छोटा सा बच्चा, आपका बेटा हैंड रेस कर रहा था, प्लीज। जी मैम, एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस कराई इसको आपके साथ ही बोलते बोलते, तो इसको काफी दूर तक काफी प्रेशर, वो बॉल गोला, मेरी बॉल काफी बड़ी बन रही है और मेरे को काफी दूर से वो महसूस हो रहा है, तो मैंने इसकी आईज पर वो लगवाया है। एक्चुअली दोनों बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, तो मैं जस्ट यही जानना चाहती थी अगर ये प्रैक्टिस करता है तो इसके स्पेक्स पे भी आराम मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। क्या नाम है बेटा आपका, जल्दी बताओ। पार्थ। पार्थ, अरे वाह, आप तो अर्जुन हो। वेरी गुड जी, गॉड ब्लेस यू, कल मिलते हैं, ठीक है पार्थ। चलिए सर, सभी को बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग सभी को मेरे भीतर के परमात्मा से तहे दिल से नमन। हम सब लोग सभी जय श्री कृष्णा भी बोलें एक बार हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।